Hola, hola, hola. Hello, hello, hello. Just a second. Online public, I hope you are able to hear me out. टू सेकंड ओके तुला आयपॅड का प्रॉब्लेम नाही आर जस्ट अ सेकंड लेट इम फिक्स सेप्ट देखेंगे जस्ट अ सेकेंड हो गया okay good morning friends let's proceed ahead from today we are going to kick start some fast track revision of chapters of costing so in this morning session we'll be covering costing fast track of accounts and fm will be in the month of february जानवरी इज रिजर्व फॉर कॉस्टिंग सो आई फर्स्ट वॉन्ट आई एज्यूम दैट यू पीपल हैव स्टडीड कॉस्टिंग मतलब ऐसा एज्शन है कि आपको थोड़ा बहुत कॉस्टिंग का विजन है इसलिए रिविजन का जरूरत है oh. तो विजन ही एबसेंट है तो बहुत मुश्किल है तो हम पर्पजफुली में बहुत सारे चीजों को लिंक करूंगा आई विल किक पर चैप्टर विच बेसिकली कम इन योर ड्रीम्स एंड अफेक्ट यूर स्लीप राइट सो जो जो चीजें टफ लगती है उनको हम पहले खत्म करेंगे एंड सिंपल सिंपल चीजों को थोड़ा बाद में जाएंगे शायद ये अप्रोच आपको शुरुआत में अच्छा ना लगे बट ट्रस्ट मी दिस इज द मोस्ट बेनिफिशियल अप्रोच बिकॉज वो इट इट गिव्स यू गुड बेनिफिट सो Some basic instructions. i'm am gonna cover up the concepts first. Few questions we'll do as soon as we finish the concepts. Either past exam questions, ICA module questions, whatever. मैं ये expect करता हूँ कि आपके पास notebook है और notebook में आप चीजें लिख रहे हो concepts मैं लिखते जाऊँगा आप भी साथ में noting करते हैं ना ताकि flow बना रहे. तो चलिए ज़्यादा time waste ना करते हैं. जय श्री रामा ऑनलाइन पब्लिक सो सो वानर सेना है यहां पर देखते ये वानर सेना कब तक अपना कंट्रोल मेंटेन रखती है तो चलिए लेट अस किक स्टार्ट गिव द दि आई एम किक स्टार्टिंग विद द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फर्स्ट नोट्स so, आपको साइमल्टेनियसली लिखते जाना है प्रिंटेड नोट्स वो मैं आपको पीडीएफ वगैरह बाद में शेयर कर दूंगा पहले यहां पर कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अ चैप्टर विच इज नॉर्मली अ अटर फॉर द स्टूडेंट्स बच्चों को डर लगता है बहुत सारा वो डर भगाने का काम अभी हम करेंगे पूरा डर भाग जाएगा आपका ट्रस्ट में तो तीन चार दिन मतलब तो तीन चार घंटे एक्चुअली सो सोसेंट्रेट करना पहले मैं आपको एक बेसिक फ्लो जो है कॉस्ट का वो एक्सप्लेन करना चाहता हूं ताकि आपको एप्सऑप्शन कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का डिफरेंस समझ में आए तो टिपिकली कॉस्टिंग के अलग अलग टेक्निक्स है क्या क्या टेक्निक्स है ब्रॉडली अगर इंटरमीडिएट की सिलेबस की बात करें तो तीन टाइप के टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग आपने सीखे कौन सा टेक्निक सीखा आपने सबसे पहले आपने सीखा था इनिशियल चैप्टर्स में एप्सॉप्शन कॉस्टिंग राइट सबसे पहले आपका टेक्निक ऑफ कॉस्ट कॉस्ट डिटरमिन करने का कुछ तो तरीका होना चाहिए द फर्स्ट मेथड दैट यू लर्न इन द इनिशियल चैप्टर्स वॉज वॉट एप्सॉप्शन कॉस्टिंग देन यू लर्न समथिंग अबाउट मार्जिनल कॉस्टिंग जो भी हम सीखेंगे इसका स्टैंडर्ड के बाद मैं मार्जिनल की तरफ ही जाऊंगा सो so, बड़े बड़े चैप्टर जो है जिनका डर है वो डर को हमें क्या करना है भगा देना है मार्जिनल कॉस्टिंग एंड व्हाट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऐसे तीन अलग अलग चैप्टर्स है सो so, अब हम पहले मैं आपको थोड़ा एब्सप्शन कॉस्टिंग का ओवरव्यू देता हूं जो चैप्टर है आपने शुरुआत में पढ़ा होगा वो बेसिकली एप्सॉप्शन कॉस्टिंग पे बेस्ड था इंस्टीट्यूट एक ही सिलेबस के अंदर तीनों का मिक्सचर करती है और बच्चा क्या होता है ना बच्चा वो कंफ्यूज होता है अलग अलग नाम देख के वेर एज एक्चुअली अगर आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग समझना है तो आपको एक बार एप्सॉप्शन कॉस्टिंग का कुछ टर्मिनोलॉजी समझ में आया तो स्टैंडर्ड आपके लिए बहुत आसान रहेगा तो लेट मी फर्स्ट गिव यू अ ब्रॉडर आउटलुक अबाउट एबिंग ओवर एलिमेंट के अंदर बेस्ड ऑन एलिमेंट कौन सा तीन एलिमेंट है बोलो बच्चों रिस्पॉन्स यू हैव अजन नाउ ऐसा नहीं कि टॉपिक आपको मालूम नहीं कॉस्ट हम कितने में तीन कौन से तीन मटेरियल लेबर ओवर एड्स नाउ दैट इज एप्सोल्यूट बुलशीट सुबह सुबह शुरुआत कर दी तुमने मटेरियल लेबर ओवर एड्स उनको बच्चों को क्या रहता है चैप्टर चैप्टर का सिक्वेंस है सर मटेरियल लेबर ओवर एड इसलिए तीन टाइप में अरे गो अरे वनर हो सो so, पहले आप मटेरियल लेबर और एक्सपेंसिस लेते हो इसका आप फर्दर क्लासिफिकेशन करते हो बिटवीन डिरेक्ट एंड इनडिरेक्ट एंड देन ऑल इनडायरेक्ट थिंग्स पुट टुगेदर बिकम्स ओवर तो कॉस्ट कोई भी चीज पे अपर आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो हम बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग का बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का बात कर रहे हैं जहां पर कुछ रॉ मटेरियल लेके आप उसको प्रोसेस करके फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हो सर्विस इंडस्ट्री में मटेरियल का एलिमेंट कम रहेगा बिकॉज वहां पे सर्विस है तो अब मैं मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी की बात कर रहा हूं तो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में कुछ मटेरियल लगेगा कुछ लेबर लगेगा उसको कन्वर्ट करने के लिए उसको प्रोसेस करने के लिए, डिड आई सेवर एड्स ये क्लासिफ दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट और हम इसको क्या करते हैं बच्चों दो एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं हर एक को हम दो एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं कौन से दो एलिमेंट होते हैं डायरेक्ट एंड व्हाट इनडायरेक्ट तो वापस अभी क्या क्लासिफिकेशन में सो डायरेक्ट so, इनडायरेक्ट हर चीज को मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्लासिफाई करूंगा अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्लासिफिकेशन होता कैसे ऑन व्हाट बेसिस डू वी क्लासिफाई डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेदर अ एक्सपेंडिचर और अ कॉस्ट कॉस्ट इज बेसिकली इक्वल टू एक्सपेंडिचर सो जो भी कॉस्ट है कैन यू लिंक अ कॉस्ट टू अस्ट ऑब्जेक्ट यस डायरेक्ट कॉस्ट नो इनडक्ट कॉस्ट कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ बच्चों एनी थिंग फॉर विच सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज डिजाइड बाय मैनेजमेंट एनीथिंग

इलेक्ट गीजर बनाते हैं या चलो इक्विपमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं वो अलग अलग इक्विपमेंट्स क्या हो गए उनके लिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट सो अगर आप कुछ कॉस्ट को इजीली लिंक कर पाते हो टेक्निकल वर्ड इज नेक्सस इफ यू कैन एस्टैब्लिश अ नेक्सस बिटवीन इफ यू कैन एस्टैब्लिश अ नेक्सस बिटवीन कॉस्ट एंड द कॉस्ट ऑब्जेक्ट आई विल कॉल इट एज डिरेक्ट कॉस्ट

तो क्या हो गया वो थ्री किलो क्या हो गया मेरा वो डायरेक्ट कॉस्ट बिकॉज मेरे को मालूम है आई टू मेक वन फैन आई रिक्वायर दिस मच ऑफ केबल क्योंकि फैन के अंदर मोटर रहता है मोटर बनाने के लिए मुझे इतना इतना केबल लगेगा टू मेक वन फैन आई फोर्टी मिली लीटर ऑफ पेंट तो जब आप कोई भी कॉस्ट को ऐसा लिंक कर पाते हो हम उसको डिरेक्ट कॉस्ट बोलेंगे मैं बोलता हूं टू मेक वन फैन अ वर्कर ऑफ

आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी किसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ बहुत आसान होता है उसके लिए बहुत कॉस्टिंग कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कॉस्टिंग कॉम्प्लिकेटेड कब बनता है जब कॉस्ट को आप इजीली लिंक नहीं कर पा रहे हो तब आपको कुछ ना कुछ टेक्निक ढूंढना पड़ेगा उसको लिंक करने का तो वो जो टेक्निक है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर टेक्निक है कॉस्ट को प्रोडक्ट से लिंक करने के लिए वो है एबसप्शन कॉस्टिंग अब बच्चों ये जो तीन टेक्निक्स है ना तीनों चैप्टर आपके सिलेबस में है तो अब आपको समझना चाहिए कि ये लिंकिंग करने का जो कंसेप्ट है वो एब्सोप्शन कॉस्टिंग है कॉस्टिंग का मेन टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वेयर एज ये मार्जिनल और स्टैंडर्ड है इनका मेन परपज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिट्रीमिन करना नहीं है इनका मेन पर्पज डिसीजन मेकिंग के लिए है कुछ तो टाइप के डिसीजन हम लेंगे मेन क्या बोला मैंने बोलो डिसीजन मेकिंग राइट सो मेन डिसीजन और इनका मेन परपज क्या है टू डिटरमिन कॉस्ट कि भाई मैंने कितना खर्चा किया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरी कितनी है सो so ये अगर मेरे को डिटरमिन करना है ना तो उसके लिए मैं क्या करूंगा एप्सप्शन कॉस्टिंग फॉलो करूंगा टू डिटरमिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइट समझ आ गया आई नीड एक्सट्रीम लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑनलाइन पब्लिक ऑफलाइन पब्लिक जो भी है तुम कॉन्सेंट्रेट करोगे तो ही समझने वाला है पूरा त, मतलब कॉन्सेंट्रेट कंप्लीटली जो भी डाउट तो, तो, है इन्वॉल्व रहना लेक्चर के अंदर तो डिरेक्ट कॉस्ट नेक्सेस है इनडिरेक्ट कॉस्ट नेक्सेस नहीं है तो उसके लिए मुझे टेक्निक ढूंढना है जो पॉपुलर टेक्निक है वो आप कॉस्टिंग है तो ये सारे इनडिरेक्ट कॉस्ट को हमने क्या किया था बच्चों एक साथ इकट्ठा करके क्या बोला था हमने उसको ओवरहेड्स बोला था तो मटेरियल के अंदर भी ओवरहेड है इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया तो बनेगा लेबर के अंदर भी है लेबर कैन बी डायरेक्ट लेबर लेबर कैन बी इनडायरेक्ट लेबर डिपेंड्स ऑन आर यू एबल टू लिंक द कॉस्ट टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट और जो सीईओ है उनकी जो सैलरी है वो आप इजीली लिंक कर पाओगे कह

प्रोडक्शन ओवर जिसके अलग अलग नाम भी है बच्चों बोलो जैसे भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग नाम है वैसे इसके भी अलग अलग नाम है प्रोडक्शन ओवर फिर क्या बोलते हैं आप फैक्ट्री ओवर एड बोलो वर्क ओवर एड वर्स ओवर एड एंड वर्क आर हिंदुस्तान पाकिस्तान आर टोटली डिफरेंट बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है वर्क ओवर एड एंड वर्क कॉस्ट वर्क्स कॉस्ट इज प्राइम कॉस्ट ऑल डायरेक्ट कॉस्ट पुट टुगेदर आर नोन एज प्राइम कॉस्ट वर्क्स कॉस्ट इज प्राइम कॉस्ट प्लस वर्क्स ओवर तो अगर मुझे यहां पे वर्क्स कॉस्ट लिखना है या फैक्ट्री कॉस्ट लिखना है तो क्या बोलूंगा मैं उसको बोलो इज इक्वल टू बोलो बोलो प्राइम कॉस्ट प्लस वॉट फैक्ट्री ओवर अभी कुछ तो एक वर्ड यूज करता हूं so overheads can be divided into three parts to pehle maine kaun sa part dekha production overhead relating to production relating to production understood to fir aata hai tumhara administration overheads अब administration जो होता है दो चीजों का administration होता है इट कैन बी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्शन इट कैन बी अदर एडमिनिस्ट्रेशन लाइक इट कोड बी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस या फाइनास का एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है या इट कैन बी लीगल कंप्लायसेस कोई भी चीज का एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है ना यार गंदे में बहुत सारी चीजें आपको एडमिनिस्ट्रेट करनी पड़ेगी ओवरऑल बेसिस पे तो एडमिन ओवर एड्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं एडमिन ओवर एड एच लिख रहा हूं मैं रिलेटिंग टू प्रोडक्शन इफ इट इज एडमिन ओवर एड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन रिलेटिंग टू वोडक्शन तो हम क्या करते हैं उसको प्रोडक्शन ओवर करते हैं ना उसको कोई अलग से ट्रीट करने की जरूरत है ही नहीं बिकॉज इट इज रिलेटिंग टू प्रोडक्शन और दूसरा बाकी के एडमिन एडमिन ओवर जनरल नेचर और तीसरा ओवर एड जो होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवर एड इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है लाइक यू कुड है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है समथिंग कॉलिसच एंड डेवलपमेंट भी प्रोडक्ट का ऊपर आप नए प्रोडक्ट लॉन्च करने के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो या उसको रिसर्च सक्सेसफुल होने के बाद डेवलप करने में खर्चा इंकर कर रहे हो तो डू यू थिंक दैट दिस ओवर एड शुड नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ कॉस्ट जस्ट बिकॉज दे नॉट बी आइडेंटिफाइड विद्जेक्ट नो ओवर एड कैनोट भी आइडेंटिफाइड आई नो दैट इज वाई वी आर कॉलिंग ओवर इसका मतलब यह हो गया उसको मैं कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करूंगा नहीं उसको कॉस्ट में मैं पक्का इंक्लूड करने वाला हूं लेकिन उसके लिए कुछ तो टेक्निक चाहिए वो टेक्निक जो है वो एब्सोप्शन कॉस्टिंग है कॉस्टिंग इज इज अ टेक्निक टेक्निक प्लस वन मोर आपके सिलेबस में और एक है बट उसको ये इंस्टीट्यूट अपना टेक्निक बोलती नहीं है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इट इज ऑल्सो अनदर टेक्निक ऑफ लिंकिंग द कॉस्ट टू दी कॉस्ट ऑब्जेक्ट स्पेशली फॉर ओवर डायरेक्ट कॉस्ट जो होते हैं ना बच्चों वो इजीली लिंक होते हैं उसके लिए टेक्निक तो दो टेक्निक कॉस्ट ये जो दो है ना ये सच में कॉस्ट डिटरमिन करने के टेक्निक नहीं है ये सच में डिसीजन मेकिंग के लिए ज्यादा फायदा होता है इनका आपके सिलेबस में डिसीजन थोड़ा सा कम लेवल का है बट कुछ तो इनपुट्स आपको मिलेगा लाइक वेन आई डिस्कस कॉस्टिंग कि डिसीजन मेकिंग को फायदा होता है तो कॉस्टिंग और दूसरा टेक्निक क्या बोला मैंने एबीसी एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वो भी चैप्टर है तो तो हम इसके बाद ले लेंगे तो पहले मैं क्या करूंगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग खत्म करूंगा फिर मार्जिन मार्जिनल पे जाएंगे फिर हम बजट्स देखेंगे या एप्सॉपशन कॉस्टिंग देखेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग देखेंगे तो जो चैप्टर्स है ना मैं एंडिंग के चैप्टर्स पर ले रहा हूं क्योंकि वहां पर मार्क्स का वेटेज भी ज्यादा रहता है प्लस मटेरियल लेबर वाले जो चैप्टर्स है यार वो बहुत बेसिक लेवल के चैप्टर्स है तो उनको हम टाइम थोड़ा सा देंगे लेकिन कम देंगे तो ये एओएचपी जो है उसको मैंने कहां पे ले लिया यू कैन टेक इट लाइक अ प्रोडक्शन ओवर एड्स इट अभी एग्जाम के अंदर बहुत बार जो होता है वो एग्जामिनर देता नहीं है कि कौन से टाइप का एडमिन ओवर है एग्जामिनर सिर्फ लिख के देता है तुमको एडमिन ओवर

आपको और एक चीज एंगल कॉस्ट का समझना है जो इंपॉर्टेंट है समझने के लिए चैप्टर्स को आई एम जस्ट पुटिंग इट अक्रॉस कॉस्ट इज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट प्रोडक्ट कॉस्ट एंड वॉट बोलो बच्चो पीरियड कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब क्या है अ कॉस्ट विच इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंसिडर्ड फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री दो चीजें बोली मैंने कौन सी दो चीजें included in what bolo bolo you should be noting down even the things which i am not writing up huh? yes, included in cost of production jab hum goods ki cost of production nikalte and dusra sabse important kya hai inventory valuation जब आपको WIP का valuation करना है या finished goods का valuation करना है तब हम उसको क्या करते हैं इन्वेंट्री में इंक्लूड करते हैं उसको प्रोडक्ट कॉस्ट बोलते हैं और पीरियड कॉस्ट जो होता है इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम इन्वेंट्री वैल्यूएशन एक्सक्लूडेड फ्रॉम इन्वेंट्री वैल्यूएशन तो मुझे बोलो अब कौन सा ओवरहेड को हम क्या ट्रीटमेंट देंगे प्रोडक्शन ओवरहेड जो है उसको हम प्रोडक्ट कॉस्ट ट्रीट करते हैं ये मैंने क्यों एक्सप्लेन किया कौन से ओवरहेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आने वाले हैं कौन से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में नहीं आने वाले तो कौन सा चीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आएगा बच्चों प्रोडक्शन हाँ ना प्रोडक्शन में क्या करूंगा इसको मैं कॉस्ट में इंक्लूड करूंगा तो इसलिए मैंने क्या बोला इसको प्रोडक्ट कॉस्ट क्या एग्जांपल है बेटा ये प्रोडक्शन के तुम्हारा इंश्योरेंस ऑफ द दे फैक्ट्री डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन सैलरी ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर राइट So, जो फ्लोर लेवल जो जहां पे प्रोडक्शन होता है वो बोलता हूं। और जो बाकी है, उसको मैंने क्या बोला एडमिन ओवर ऑफ अ जनरल नेचर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग का खर्चा आ गया तुम्हारा राइट पैकेजिंग का खर्चा आ गया सेकेंडरी पैकेजिंग जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लगता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग आ गया तुम्हारा शोरूम का खर्चा आ गया डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा आ गया डीलर को आप कुछ कमीशन देते हो वो खर्चा आ गया वो सारा चीज मैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसिस में डालूंगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट नया प्रोडक्ट डेवलप करना है तो उसके लिए आपका इनहाउस रिसर्च हो सकता है या आप वो रिसर्च को आउटसोर्स भी कर सकते हैं और किसी और को साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसको आपने पेमेंट दे दिया और उसको बोला कि भाई आप इस इस चीज के ऊपर रिसर्च करो और हमें आपके रिसर्च का आउटकम दे दो वो सेक्शन आपने इनकम टैक्स में भी सीखा होगा सेक्शन थर्टी फाइव पेमेंट फॉर साइंटिफिक रिसर्च उसका डिडक्शन ज्यादा मिलता है टू नॉर्मल कभी कभी नॉट एवरी केस तो कौन से टाइप का ओवरहेड है तो उसको क्या ट्रीटमेंट देना है प्रोडक्शन प्रोडक्ट कॉस्ट लेते हैं ये जो होता है इसको हम लेते हैं पीरियड कॉस्ट इसको भी मैंने क्या ले लिया पीरियड कॉस्ट

इसके बाद मैं स्टैंडर्ड को जाऊंगा इंट्रोडक्शन के बाद ये पार्ट होने के बाद अंदर दो चैप्टर एक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है और फिर मैं जाऊंगा बजेटरी कंट्रोल की तरफ राइट दीज चैप्टर्स फॉर अबाउट फोर्टी फिफ्टी मार्क्स दीज चैप्टर्स कॉस्टिंग इज ऑफ वन हंड्रेड मार्क्स इफ यू नो 40, 50 मार्क्स इंक्लूडिंग एमसीक्यू सो चलो ये आपको समझ गया फ्लो समझ गया अब मुझे ओवर को लिंक करना है किसको लिंक करना है कॉस्ट ऑब्जेक्ट को ओवर शुड बी लिंक्ड टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट हाउ टू लिंक ओवर एड्स टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट स्पेशली फॉर विच वन प्रोडक्शन ओवर एडमिन सेलिंग लिंक करना है, कुछ ना कुछ करेंगे अगर लिंकिंग करने जाऊंगा मैं कुछ एक तरीके से कर सकता हूं क्योंकि जो अपोर्शनमेंट का बेसिस अज्यूम करूंगा वो अजम्पशन शायद दूसरा कोई अज्यूम नहीं करे दूसरा कोई दूसरे तरीके से करे सो so, एक ट्रायल बैलेंस है मैंने दस लोगों को ट्रायल बैलेंस दे दिया और मैंने बोला यार एक आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करो आप डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग करो वारंटी के लिए प्रोविजन करो और आप फाइनल अकाउंट बनाओ बेटा हर एक के हिसाब से फाइनल अकाउंट अलग अलग आ सकता है बिकॉज देर आर देर यूज ऑफ एस्टिमेट वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एग्जैक्टली कॉस्टिंग के अंदर भी आप जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट डिटरमिन करते हो कुछ कॉस्ट एक्सप्लिसिटली लिंकेबल है टू द प्रोडक्ट डायरेक्ट कॉस्ट But कुछ कॉस्ट जो इजीली लिंकेबल या एक्सप्लिसिटली लिंकेबल नहीं है वहां पर आपको क्या करना पड़ता है कुछ ना कुछ तो अजमशन लगाना पड़ता है देर इज नो अल्टरनेटिव टू इट तो हाउ टू लिंक क्या लिखूंगा इसके अंदर में दो टेक्निक्स कौन से दो टेक्निक बोलो एपसऑप्शन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग वो कॉस्ट लिंक करने का टेक्निक नहीं है दिमाग से वो हटा दो कि आपके सिलेबस में दोनों है हाँ ये एबसॉप्शन कॉस्टिंग को आपने क्या बोला था सिर्फ ओवर एड चैप्टर तो मोमेंट यू से ओवर एड चैप्टर दिस इज दिस चैप्टर और दूसरा एक्टिविटी कॉस्टिंग फर्क क्या है दोनों में दोनों में लिंकिंग ही करना है बट ये एब्सॉप्शन बेस कॉस्टिंग है ना ये थोड़ा ऊपर ऊपर के लेवल पे लिंकिंग है और ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है ना वो थोड़ा माइन्यूट लेवल पे या छोटे-छोटे लेवल पे जाके लिंकिंग करने का काम है तो आप ऊपर-ऊपर के लेवल पे लिंकिंग करोगे तो आंसर्स थोड़े अलग रहेंगे और आप माइन्यूट लेवल पे जाके लिंकिंग करोगे लोएस्ट पॉसिबल लेवल पे जाके लिंकिंग करोगे तो आंसर्स अलग आएंगे दोनों तरीके कंप्लीटली अलग हैं तो पहले मैं एब््सॉर्प्शन कॉस्टिंग हेल्प कर रहा हूं आपको तो ये एब््सॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या बोलता है जो भी ओवरहेड्स हैं उन ओवरहेड्स को आप डिपार्टमेंट्स को लिंक करो आई एम एक्सप्लेनिंग वॉट जाएगा समझ रहा है ना Linking, दिमाग, कुछ यादें आ रही वापस। हाँ, पुरानी यादें फेल होके आई होगी या जो भी है पहली बार पढ़ रहे होगा कैसे भी इट्स ओके okay, यार फर्गेट अबाउट इट जो भी हो गया है जो भी हो गया क्या टाइम टाँग लगता है कुछ कुछ चीजों में जैसे हमें पांच सौ साल लगे कुछ चीजों को चेंज करने के लिए लगता है टाइम ओवर एड्स तो ये जो टेक्निक एप्स कॉस्टिंग ये क्या बोलता है पहले लिंकिंग आप डिपार्टमेंट को करो डिपार्टमेंट जो है ना बेटा वो बहुत ग्लोबल लेवल की चीज है बहुत बड़े लेवल की चीज है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम डिपार्टमेंट को लिंक नहीं करेंगे हम छोटी-छोटी चीजें ढूंढेंगे जिसको हम फैंसी लैंग्वेज में बोलेंगे कॉस्ट क्या कॉस्ट लेकिन वो पूल हम आज नहीं करते आज थोड़ा ठंडी है तो पुल में बाद में जाएंगे ओवर इट्स हम लिंक करेंगे डिपार्टमेंट्स को हम सारे डिपार्टमेंट को दो टाइप्स में बाइफरकेट करते हैं कौन से दो टाइप्स में हम दो टाइप्स में बाइफरकेट करते हैं जिनका नाम है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और हम बोलते हैं सर्विस डिपार्टमेंट अब तुम्हारे जो भी प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट्स होते हैं ना उसमें से जो तुम्हारा जो भी जहां पर भी प्रोडक्शन हो रहा है हम कोर प्रोडक्शन पे होता है उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलते हैं और कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है सपोर्ट Service मतलब like सर्विस की जरूरत पड़ती है लाइक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी का हाउस मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट आपके पास होना चाहिए मशीनरी खराब हो गया आप कहीं बाहर से रिपेयर करने के लिए किसी को बुला के लेके आओगे इट अ लॉट ऑफ टाइम तो आपकी इन हाउस देर कुड बी बीटेन्स डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉज है उनका इन आउट टाइम मेंटेन करना है उनकी छुट्टियों का रिकॉर्ड मेंटेन करना है या उनके लेबर लॉ रिलेटेड कंप्लायसेस करने उसके लिए आपने टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट रखा है जो सर्विस देता है या आपको प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए तो स्टोर्स डिपार्टमेंट है जो सारे रॉ मटेरियल को स्टोर करता है और वो रॉ मटेरियल जब चाहे तब इनको इश्यू कर देता है तो ये ऐसी अलग अलग एक्टिविटीज करने के लिए जो सपोर्ट फंक्शंस होते हैं उन सारे सपोर्ट फंक्शंस को मैं क्या बोल रहा हूं सर्विस डिपार्टमेंट सपोर्ट फंक्शंस को मैं बोल रहा हूं सर्विस डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जहां पर कोर प्रोडक्शन हो रहा है तो जितने भी ओवरहेड्स है ठीक से समझना एप्सॉप्शन कॉस्टिंग में होता क्या है यही चीज मैं आपको ओवरहेड चैप्टर में जाके थोड़ा सा ब्रीफ में बोलूंगा ओवरहेड में मैं वापस रिपीट नहीं करने वाला टाइम इज इंपॉर्टेंट तो सबसे पहले हम ओवरहेड्स का एस्टीमेट लगाते हैं ये अपने एस्टीमेट क्यों ये जो लिंकिंग का काम है ना हम दो स्टेजेस में करते हैं इन एडवांस ऑन बजेटेड बेसिस एंड देन एट एक्चुअल आल्सो समझ लेना ये इंपॉर्टेंट है इससे ही अंडर एब्सॉर्प्शन और ओवर एब्सॉर्प्शन आने वाला है उसी को ही जाके मैं ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस ऐसा नाम देने वाला और फिर हम उसके बच्चे पैदा करेंगे एनालिसिस करेंगे तो समझ लेना दो स्टेजेस में काम होता है मैं एक प्रोड्यूसर हूं लेट्स से मैं फैंस प्रोड्यूस कर रहा हूं मुझे कोई बड़ा ऑर्डर मिल गया लेट्स से मुझे किसी स्कूल को या किसी इंस्टीट्यूशन को 10000 फैंस सप्लाई करने उन्होंने मेरे से कोटेशन मांगा कि भाई आप ये 10000 फैंस क्या प्राइस पे बेचोगे मैं बोलता हूं ठीक है आज मैं प्राइस नहीं बोलता हूं चलो ठीक है मैं आपको बेचता हूं बेचने के बाद हम प्रोडक्शन करने के बाद हम कॉस्ट आइडेंटिफाई करेंगे उसमें हमारा प्रॉफिट हम ऐड करेंगे और फिर हम आपको इनवाइस भेजेंगे कभी तो आपने सुना है ऐसा धंधा करते हुए नहीं ना आपको कस्टमर को प्राइस एडवांस में बोलना पड़ेगा लॉजिकली प्राइस विली फिक्स इन एडवांस राइट तो उसको प्राइस एडवांस में बोलने के लिए आपके पास कॉस्ट का डेटा भी होना चाहिए ना कहां से लाओगे

एग्जाम्पल ऑफ तनिष्क कोई भी सीजन है लेट से मैरिज सीजन या दिवाली या ऐसा कोई भी सीजन है उसके पहले उनको ज्वेलरी का डिमांड आने वाला है तो वो ज्वेलरी कब प्रोड्यूस करके रखेंगे कुछ दिन पहले प्रोड्यूस करके रखेंगे जब उन्होंने प्रोडक्शन किया था तब गोल्ड का रेट एक्स्ट्रा जब एक्चुअल बेचने गए तो गोल्ड हैज ड्रॉप बाई थर्टी परसेंट अब मुझे बोलो जब बेचने जाओगे और गोल्ड का कीमत तीस टका नीचे है तो क्या आप ज्वेलरी आप कस्टमर को बोल सकते नहीं रहा हमने जब बनाया था ना ये इिंग तब क्या था गोल्ड का रेट ज्यादा था इसलिए हम तुमको ज्यादा रेट पे बेचेंगे क्या तनिष्क ऐसा बोल सकता है तो तनिष्क के बिजनेस में ये मटेरियल का प्राइस जो बोलते हैं हम उसको बोलता है कमोडिटी प्राइसेस कमोडिटी के प्राइसेस फ्लक्चुएट हो गई रिस्क है कि नहीं है हाँ वो रिस्क रहता ही है उसको मिनिमाइज करने के लिए कुछ कुछ टेक्निक्स होते हैं आपके सिलेबस में नहीं है मेजोरिटी गोल्ड ज्वेलर्स जो भी होते हैं वो हेजिंग करते हैं MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज करके एक चीज है हमारे कंट्री में वहां पे जाके ये गोल्ड का क्या करते हैं हेजिंग करते हैं वो अलग पार्ट है हाउ टू मैनेज द वोलेटिलिटी इन द प्राइसेस ऑफ वेरियस कमोडिटीज इज अ सेपरेट डिस्कशन तो आपको समझा क्या इससे एक चीज समझा मेरे को कॉस्ट पहले एस्टिमेट करना होता है और ताकि मैं कस्टमर को कोटेशन दू या सेलिंग प्राइस बोल सकूं सेम चीज ओवरहेड के बारे में भी होता है मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा एस्टिमेट करना पड़ेगा तो मैं पहले क्या करूंगा एस्टिमेट ओवर देन एस्टिमेट जब अगर आपको ओवर करना है बेटा उसके लिए आप कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करने वाले है, उसका भी एस्टिमेट करना पड़ेगा यू शुड नॉट जस्ट एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ ओवर एड्स यू टू ऑल्सो एस्टिमेट क्वांटिटी ऑफ द गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड तो और क्या एस्टिमेट करना पड़ेगा मेरे को एस्टिमेट क्वांटिटी ऑफ

डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो तो बहुत आसानी से लिंकेबल है कैसे लिंकेबल है एक प्रोडक्ट को कितना रॉ मटेरियल लगता है वो किधर लिखा रहता है बिल ऑफ मटेरियल तो बिल ऑफ मटेरियल में टू प्रोड्यूस वन फिनिश गुड्स ऑल रॉ मटेरियल यू रिक्वायर उसका लिस्ट रहता है है कौन बनाता ये बिल ऑफ मटेरियल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या तुम्हारा इंजीनियरिंग टीम या डिजाइन टीम जो रहेगा जब प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं तभी बोलेंगे एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए ये चीजें लगेगी उसका रेट आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा जो रेट पे आप प्रोक्योर करना चाहते हो या करो कर सकते हो तो मटेरियल बहुत आसान है लेबर डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट कॉस्ट आर मच इजी हेलो हेलो डायरेक्ट कॉस्ट और मच इजियर टू लिंक इंडिरेक्ट कॉस्ट में क्या होता है दिक्कत होता है तो इनडिरेक्ट कॉस्ट को मैंने क्या किया पहले ओवरहेड एस्टिमेट कर लिया क्वांटिटी भी मैंने एस्टिमेट कर लिया अब तीसरा चीज जो भी ओवरहेड्स है उनको आप क्या करोगे दो चीजें करोगे पहले एलोकेशन होगा देर विल बी सम समेड्स विच कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड विथ रेफरेंस टू पर्टिकुलर डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मतलब एक नहीं है बेटा मल्टीपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है सिमिलरली सर्विस डिपार्टमेंट एक नहीं है मल्टीपल सर्विस डिपार्टमेंट है तो कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो आप क्या कर पाओगे इजीली लिंक कर पाओगे टू वन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इफ यू कैन लिंक एक्सपेंसेस टू वन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आई विल कॉल इट एज अलोकेशन अलोकेशन मतलब स्पेसिफिक कॉस्ट अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मेरे पास कितने डिपार्टमेंट रहे ऐसे मल्टीपल है ना डी वन हम एग्जाम में ऐसे नाम, नाम यूज करते हैं ऐसे नाम यूज करते हैं तो हम हर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो उसके लिए कुछ खर्चा होगा जो लिंकेबल है लाइक इलेक्ट्रिसिटी का आपने अलग अलग मीटर लगा के रखा है हर एक डिपार्टमेंट को अलग अलग मीटर लगा के रखा है आपने तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंसेस है इट कैन बी आइडेंटिफाइड विद रेफरेंस टू इच डिपार्टमेंट लेकिन आपने अगर डिपार्टमेंट वाइज मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगाया नहीं आपके पास पूरे फैक्ट्री का एक ही मीटर है तो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट बन गया आपका कॉमन कॉस्ट उसको हम बोलेंगे अपोर्शनमेंट तो हम अगला तीसरा पॉइंट रहेगा अपना अलोकेशन और चौथा पॉइंट क्या रहेगा बच्चों अपोर्शनमेंट तो क्या किया मैंने सारे ओवरइड जो है उनका आइदर अलोकेशन किया या ओवरिड का मैंने क्या किया अपोर्शनमेंट हा है ना इधर मैंने अलोकेशन किया या मैंने अपोर्शनमेंट किया आर यू क्लियर तो अलोकेशन और अपोर्शनमेंट के बाद क्या हो गया सारे के सारे ओवरहेड आइर कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट के साथ लिंक हो गए ओवरहेड्स एड्स आइदर पीडी वन में जाके बैठा है पीडी टू में जाके बैठा है पीडी थ्री में जाके बैठा है या सर्विस डिपार्टमेंट में जाके बैठा है. किधर ना किधर तो ओवरहेड क्या होगा लिंक होएगा हो चुका है कि नहीं लिंक हो चुका है हाँ. अब लेट्स अज्यूम मैं केबल मैन्युफैक्चरर हूं मैं कॉपर का केबल बनाता हूं अब कॉपर का केबल बनाने के लिए आर लॉट ऑफ लेकिन मैं सिर्फ कॉपर से ही केबल नहीं बना सकता मैं एक ऑप्टिक फाइबर होता है ऑप्टिक फाइबर का भी केबल बना सकता हूं कॉपर का केबल इलेक्ट्रिसिटी के लिए काम में आ सकता है ऑप्टिक फाइबर का केबल डेटा ट्रांसफर के लिए काम में आता है तो मेरा केबल का फैक्ट्री है तो मेरा जो प्रोडक्शन शॉप फ्लोर है वो शॉप फ्लोर में अलग अलग एरियाज में आइडेंटिफाई करूंगा यहां पर लेट से फॉर एग्जाम्पल कॉपर का मैं कैथोड परचेस करता एक पत्थर कॉपर का उसको हम बोलते हैं डायमंड के साथ फ्रिक्शन करके रॉड का साइज में कम करके छोटा सा वायर बनाता हूं लेकिन उस वायर से इलेक्ट्रिसिटी जाने वाली है टच किया तो लोग मर जाएंगे इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा उसके ऊपर इंसुलेशन करना पड़ेगा तो इंसुलेशन करूंगा मैं वो बहुत स्ट्रांग इंसुलेशन होना चाहिए क्योंकि उससे करंट जाने वाला है जब डेटा जाने वाला रहता है तो उतना स्ट्रांग उससे करंट नहीं बैठने वाला डेटा केबल का उसको इंसुलेशन अलग टाइप का लगेगा ये प्रोसेस हो गया पहले क्या किया मैंने फर्नेस फिर मैंने रिडक्शन किया फर्नेस मतलब बेसिकली मेल्टिंग किया फिर मैंने साइज रिडक्शन किया रॉड का फिर मैंने वो रॉड का साइज रिडक्शन होने के बाद उसके ऊपर इंसुलेशन किया फिर उसका कटिंग करना पड़ेगा मेरे को क्योंकि केबल जो बनता है एट अ टाइम ऐसा लाख वन लाख किलोमीटर टू लाख किलोमीटर का एक बंडल बनता है कोई खरीदने वाला नहीं उतना बड़ा तो आपको क्या करना पड़ेगा सो मीटर पांच सौ मीटर ऐसे छोटे छोटे क्वांटिटी में कट करके उसका प्रॉपर पैकेजिंग करना है उसके ऊपर आपको प्रॉपर जो डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन लिखने पड़ेंगे तो ये छोटी छोटी प्रोसेस है अब मुझे बोलो अगर ऑप्टिक फाइबर को गया मैं, तो ये सारी प्रोसेस लगेगी क्या फर्नेस लगेगा क्या नहीं लगेगा ऑफ द स्टोरी क्या है है जो जो फर्नेस डिपार्टमेंट का कॉस्ट दैट दैट शुड शुड नॉट गो गो टू टू ऑप्टिक फाइबर ओनली इलेक्ट्रिक केबल विच इज मेड अप अपर फ्रॉम कॉपर और मे बी फ्रॉम एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम का भी रहता है बट एल्यूमिनियम का फर्नेस अलग रहेगा कॉपर का फर्नेस अलग रहेगा आप दोनों एक साथ नहीं डाल सकते दोनों को मेल्ट करने का टेम्परेचर अलग रहता है तो बेसिकली आपको लगता है एज अ आउटसाइडर आ रहे यहां पर प्रोडक्शन चल रहा है लेकिन विद इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यू शुड ट्राई टू स्मॉल बा पार्ट के थ्रू नहीं जा रहा है लाइक like, फर्नेस के थ्रू ऑप्टिक फाइबर जाएगा क्या अरे ऑप्टिक फाइबर तुम्हारे घर के अंदर जो केबल केबल रहता है टाटा का ठीक है जियो का हो सकता है so, सो जिसका भी केबल है आपके घर में वो फाइबर है। कल, फाइबर है। तो ऑप्टिक फाइबर वाला जो चीज है, है।, है।, है। तो इंजीनियर नहीं हूं बट ये चीज तो समझ में आए आपको तो इसलिए मैंने डिपार्टमेंट अलग अलग किए तो क्या किया ओवर एड अलोकेशन अलोकेशन मतलब ओवर एड इज गिवन फॉर अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हा फिर अपोर्शनमेंट क्या किया जो खर्चा कॉमन नेचर का है उसको हम अपोर्शन करेंगे लाइक like, पूरे फैक्ट्री का डिप्रिसन जो है वो कॉमन है तो हम क्या करेंगे उसको बेसिस लेंगे और सुटेबल बेसिस लेके अपोर्शन करेंगे वो बेसिस इक्वेशन में दिया रहता है कुछ भी मुश्किल नहीं रहता याद आ, आ गया इस प्रोसेस को कुछ बोलते थे हम कितने लोगों को याद आ रहा है देखते हैं विजन है या नहीं है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन अलोकेशन प्लस अपोरशनमेंट इन दोनों का नाम क्या है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवर याद आ गया कुछ आ। तो देखो आप डरना नहीं है पढ़ाई करने बैठोगे तो 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 सब कुछ याद आ जाता तो वही तो है वही मैं आपको बोल रहा हूं इफ यू गिव इट अ टाइम आराम से आप ट्रैक कर सकते हो एग्जाम को ये यूपीएससी है एमपीएससी बाकी के जैसे एग्जाम के जैसे कुछ भी कहां से भी उठा के डालेंगे ऐसा वाला कोर्स नहीं है ये ये कोर्स में लोग डराते हैं बस तो अलोकेशन प्लस वॉट अपॉर्शम तुमको सिलेबस मालूम है क्या टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सब मालूम है तो मेहनत करना है सो अलोकेशन प्लस अपोर्शन को हमने बोला प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तो कुछ तो करके हमने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किया कुछ लोग सेकेंडरी बोल रहे हैं नहीं बेटा सेकेंडरी आएगा अभी सो so, इसको बोला हमने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स ओवरहेड्स ओवर डिड वी डिस्ट्रीब्यूट ओवरहेड्स टू प्रोडक्ट स्ट ऑब्जेक्ट नो वीव लिंक् डिस्ट्रीब्यूटेड दिड टू डिपार्टमेंट समझ लेना मैंने प्रोडक्ट को लिंकिंग नहीं किया अगर प्रोडक्ट को लिंक ओवरइट क्यों बोलते थे उसको तो ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इज इट ऑन एक्चुअल बेसिस नो एक्चुअल को गए नहीं हम जाएंगे तो वो फ्लो समझ लेना सो so, ये हो गया तुम्हारा ओवरइड्स का लिंकिंग तो ओवरइड चैप्टर भी मैं खत्म कर रहा हूं ये हो गया तुम्हारा प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स लिंकिंग की है क्या मैंने यस और ओवर अब सर्विस डिपार्टमेंट में तो प्रोडक्शन होता नहीं है जो कॉस्ट ऑब्जेक्ट है जो तुम्हारा प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट किधर प्रोड्यूस होने वाला है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को लेकिन उसको सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए हा आनी चाहिए तो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट हम कुछ तो बेसिस लगा के हम क्या करते हैं

आर यू क्रिस्टल क्लियर अबाउट दिस सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ओवरइड्स चले गए अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में से मेरे को क्या करना है एप्सॉप करना है ओवर हिड्स विल बी एब्सॉप्ड बाई वेरियस प्रोडक्ट्स तो यहां पर तुम्हारा क्या है कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोलो या क्या बोलो प्रोडक्ट्स बोलो जो नाम देना है नाम दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोलो प्रोडक्ट्स बोलो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों एप्सॉप्शन एप्सप्शन तो क्या सीख रहे हैं आपको ए ए ए नॉट आर 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 ए ए क्या है पहले अलोकेशन अपोर्शनमेंट बीच में रीअपोर्शनमेंट आता है बट ए ए आर ए आ रहा ना तुमको लोएस्ट पॉसिबल लेवल मेमोरी टेक्निक ए ए आर ए आर आ रा. चुप बैठो सो पहले मैंने किया स्पेसिफिक कॉस्ट का फिर मैंने कॉमन कॉस्ट का अपोर्शनमेंट किया फिर सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स मैंने रीअपोर्शन किए कुछ तो बेसिस लेके वो मैं अलग से सिखाऊंगा फिर एप्सॉपशन के भी कुछ बेसिस होते हैं वो भी हम अलग से लर्न करेंगे ओवरहेड चैप्टर में कॉस्ट ऑब्जेक्ट को क्या हो गया ओवरहेड एप्सॉब हो गए एप्सॉब होने के बाद हम निकालते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अपने को लगने वाला है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग समझने के लिए उसको बोलते हैं एबसॉप्शन रेट क्या बोला मैंने बच्चों रेट 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 व्हाट इज इज बच्चोंड पर यूनिट और पर आवर पर आवर कैन बी पर मशीन आवर और पर लेबर आवर पर यूनिट ऑफ समथिंग सो वॉट इज द बेसिस ऑफ एब्सॉप्शन लाइक एबसॉप्शन रेट इन

लेबर आर बोलूंगा अगर मशीन ओरिएंटेड प्रोसेस है तो मैं क्या बोलूंगा मशीन आर बोलूंगा जो भी है सो so, मैं पर मशीन आर एक्सप्रेस करू पर लेबर आर या पर यूनिट या, या आपको और कोई बेसिस ढूंढना है इट कैन बी लाइक आपको और चाहिए यू कैन एक्सप्रेस ओवर इट एज परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट और यू कैन एक्सप्रेस ओवर इट एज परसेंटेज ऑफ वेजेस और परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट कैसे एक्सप्रेस करना इट इज योअर टेक्निक दैट्स वॉट आई टोल्ड यू

इट कैन बी परसेंटेज ऑफ वेजेस और परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट कुछ भी ले लो और परसेंटेज ऑफ होम प्राइम कॉस्ट तो बच्चों ऐसे हर डिपार्टमेंट के लिए हम एप्स रेट डिसाइड करते हैं और फिर वो ओवर जो है वो एप्सॉब हो जाते हैं ओवर द आउटपुट एस्टिमेटेड अब एक्चुअल अमाउंट ऑफ ओवर कैन इट बी डिफरेंट ये एक्चुअल अमाउंट जिंदगी में तुमको कभी प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट पता नहीं चलेगा एक्चुअल अमाउंट विल बी ओवर बाय ओवर ये ओवर पे कितना खर्चा होगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे कितना खर्चा हुआ अब बजेटेड जो अमाउंट था वो अलग था एक्चुअल अमाउंट कुछ अलग है तो हम क्या करते हैं ये ठीक से सुन लेना यहां पर कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है तो हम एक ओवरहेड अकाउंट बनाते हैं फॉर एग्जांपल

एग्जामपज इंस्टेड ऑफ ओपनिंग सेपरेट लेजर ऑफ ईच कॉस्ट वी ओपन वन रिप्रेजेंटेटिव कंट्रोल अकाउंट क्या नाम दिया मैंने उसको ओवर कंट्रोल अकाउंट तो देखो ये अकाउंट कैसा दिख रहा है, है. लेजर अकाउंट में है बच्चों किस्ट लेजर अकाउंटिंग सो ओवर कंट्रोल अकाउंट तो जो भी ओवर आपने इंकर किए है वो ओवर एड सारे के सारे इस अकाउंट को डेबिट हो जाएंगे अब कुछ इंडिरेक्ट मटेरियल है तो मटेरियल अकाउंट से यहां पर चला आएगा तो इस अकाउंट में क्या आएगा टू इंडिरेक्ट मटेरियल कहां से आ रही है वो मटेरियल अकाउंट को फैंसी वर्ड यूज करू क्या मटेरियल को हम बोलते हैं लेजर कंट्रोल अकाउंट ये क्या है अरे कुछ नहीं रे ये ऊपर मटेरियल अकाउंट है मटेरियल परचेस किया तो स्टोर्स लेजर में रिसिट और इश्यूज था मैं मूवमेंट रिसिट बोलता हूं कुछ नहीं बोलता बच्चा चालू था पेमेंट स्टोर्स लेजर में रिसीट पेमेंट नहीं रहता है receipts and issues. तो में में जो material आया वो receipt में लिखा मैंने और फिर वहां से मटेरियल मैंने इश्यू किया वो issue किया, वो जब किया हो रिस्पेक्टिव जॉब या रिस्पेक्टिव वर्क ऑर्डर को चला जाता है हर एक जॉब या वर्क ऑर्डर का एक अकाउंट हम ओपन करते हैं जो भी चीज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका हम वर्क ऑर्डर बनाते हैं या उसका जॉब बनाते हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट रह सकता है कॉस्ट ऑब्जेक्ट है बेसिकली तो डिरेक्ट मटेरियल एक कम करो इमेजिन करो ऑन स्क्रीन स्टोर्स अकाउंट डेबिट इज रिसीट्स मटेरियल रिसीव हो गया उसका कॉस्ट आ गया इश्यू किया अभी इश्यू किधर होएगा आइदर शॉप फ्लोर पे पर्टिकुलर जॉब के लिए या इट कुड बी इनडायरेक्ट मटेरियल विच इज ओवरहेड डायरेक्ट मटेरियल तो कहां पे जाएगा रिस्पेक्टिव जॉब रिस्पेक्टिव वर्क ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट या जो भी नाम देना दे दो यार उधर चला जाएगा उसके अकाउंट को जाएगा उसको हम बोलते हैं डब्ल्यू आईपी कंट्रोल अकाउंट डायरेक्ट मटेरियल विल गो टू डब्ल्यू आईपी कंट्रोल अकाउंट इनडायरेक्ट मटेरियल किधर जाएगा इधर इनडायरेक्ट मटेरियल स्टोर्स लेजर से निकल के आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ गया किधर आ गया ओवरहेड अकाउंट में ये एक्चुअल अमाउंट है ये क्या है बच्चों इनडायरेक्ट मटेरियल इनटू ब्रैकेट एक्चुअल इट इज बेसिकली फिर वैसा ही क्या आएगा बच्चों आएगा, wages या salary भी बोल अपना syllabus wages बोलते है, इसलिए मैं के हिसाब से में टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट सो ये क्या है आई एल इनडायरेक्ट लेबर ये भी कहां से आया बच्चों? एक्चुअल इनडायरेक्ट लेबर आ गया तुम्हारा हाँ ना? तो ओवरहेड्स में मैंने क्या लिखा था ऊपर इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर था ना ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स है यू कैन हैव सेपरेट लेट्स से दिस इज आई एम सेइंग फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट अकाउंट यू कैन हैव सेपरेट फॉर एडमिन ओवरहेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हर एक का अलग अलग अकाउंट करो ना फ्लोच याद आ रहा है क्या कोच अब बाकी के खर्चे ओवरहेड्स मतलब सिर्फ इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर क्या नहीं डेप्रिसिएशन इज इट अ मटेरियल इज इट अ लेबर ज टाइप का मशीन बिल्डिंग या आपके जो इक्विपमेंट है उनका होगा मशीन से क्या एक ही प्रोडक्ट बताया क्या एक मशीन से पंद्रह प्रोडक्ट बन सकते हैं द मशीन इज यूज फॉर पर्टिकुलर प्रोसेस दैट प्रोसेस माइट बी कॉमन फॉर टेन प्रोडक्ट तो कैन I, से I ये डेप्रीसिएशन ये प्रोडक्ट नहीं रे कॉमन है ना तो जो डेप्रीसिएशन का खर्चा है वो मैं क्या करूंगा इधर रिकॉर्ड करूंगा रिकॉर्ड करूंगा तो ये सारे एक्सपेंसिस के डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू अट अकाउंट फिर डेप्रीसिएशन भी ट्रांसफर टू ओवर डेबिट टू डेप्रीसिएशनिंग अगर आपको डेप्रीसिएशन नहीं करना है हम एक फैंसी वर्ड यूज करते हैं जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्यों फिक्स असेट का अकाउंट इधर है क्या डेप्रीसिएशन अकाउंट मैं नहीं ओपन कर रहा हूं एंट्री क्या डेप्रीसिएशन की डेप्रीसिएशन टू फिक्स इन साइड ऑफ पासिंग डेप्रीसिएशन टू फिक्स मैं बोल रहा हूं ओवरहेड्स अकाउंट 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 डेबिट टू बट यहां पर कॉस्टिंग कॉस्टिंग में में जरूरत ही नहीं में अपने को बैलेंस शीट बनाने के तो हम पर्सनल अकाउंट या जो रियल अकाउंट होते हैं कॉस्टिंग में ओपन ही नहीं करते उनके जगह पे उनका एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट Row, ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको क्या बोलते हैं नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या वर्ड यूज़ किया मैंने नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम दो सिस्टम के कॉस्ट अकाउंटिंग के कौन से दो सिस्टम इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड सिस्टम में आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड और आपके कॉस्ट रिकॉर्ड एक साथ इकट्ठा हो जाता है तो उधर रिकनसिलियेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती इंटीग्रेटेड में मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं नॉन इंटीग्रेटेड तो नॉन इंटीग्रेटेड में क्या होता है फाइनेंशियल सिस्टम आपका अलग है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम अलग है तो आप इन दोनों का रिकंसिलिएशन भी करते हो ये आपके सिलेबस में है मैं कोई आपको ज्ञान नहीं बांट रहा हूं सिलेबस में कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग करके एक चैप्टर था तो यहां पर मैं लिखता हूं टू स्ट लेजर अकाउंट और अ जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट नेम कैन बी एनी टू कॉस्ट लेजर अकाउंट ये क्या है आईई आई इनडिरेक्ट एक्सपेंसिस इंखर्ड कौन से एक्चुअल तो क्या लिखा देखो मैंने डेबिट साइड पे सबको सर्कल करके इनडायरेक्ट मटीरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे पुट टूगेदर एक्चुअल ओवर इट इंकर्ड समझ में आया क्या ऑनलाइन पब्लिक घर पे सो रहा है तुम लोग oh. ना के बैठा है के तुम लोग घर पे hey. तुमको कैसे तुमको उनको मैसेज किया कि हम ना आए नहीं आए। oh. इधर भी आधे कदे बिना ना नहाए oh. ना आए नहीं तो मास्क वगैरह पहन के बैठ जाते हैं सो ओवर कंट्रोल अकाउंट तो ये ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट साइड पे हमने लिखा है क्या लिखा मैंने डेबिट साइड पे एक्चुअल ओवरहेड तुमको अगर समझ में कितने चैप्टर लिंक किए अब तक ओवरहेड चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चल रहा है और कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग का लिंक कर रहा हूं यू यू हैव कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड यस तो डेबिट साइड पे मैंने क्या लिखा एक्चुअल ओवरहेड्स इंकर्ड ठीक है अब ये ओवरहेड को हम एक्चुअल इंकर हो गए रेट वॉज इट ऑन एक्चुअल बेसिस नो क्यों? मैंने पहले क्या लिखा था एस्टिमेट दिन रेट जो आया था वो एस्टिमेट क्या आया था एक्चुअल रेट अलग रहेगा आपको पूरा प्रोसेस आपने रिपीट किया था एक्चुअल रेट अलग आएगा लेकिन वी डोंट डू दैट वाई डिफरेंस वैसे भी मिलने वाला है अपने को दो मिनट रुक एबसॉप्शन रेट कौन से बेसिस पे था एस्टिमेट डेबिट साइड पे क्या है एक्चुअल है एब्सॉर्न रेट से क्या समझ गया एब्सॉप्शन रेट से क्या समझ में आया रेट बोलता है फॉर एग्जांपल इफ वन प्रोडक्ट गोस इनटू मशीन फॉर 3 आवर्स फॉर ईच आवर कॉस्ट शुड बी ₹90 पर आवर लेट अस अज्यूम लेटे रेट इज व्हाट ₹90 पर आवर अब इंपॉर्टेंट है समझ लो खतरनाक कांसेप्ट आ रहा है 90 पर आर इज वॉट एपसॉप्शन रेट देखो इससे मेरे को जाना है एपसॉप्ड ओवर कान खोल के सुनना क्या वर्ड यूज किया मैंने बच्चों एपसॉप्ड ओवर एड्स एपसॉप्शन रेट नहीं बोला एपसॉप्ड ओवर एड्स एप्सॉप्ड ओवर मतलब कितना खर्चा होना चाहिए Absorbed overhead is ta. Kitna kharcha hona chahiye for producing actual output? This absorbed overhead is nothing but standard cost. ये जिस किले में ये पूरा time pass कर रहा था explain कर रहा था <laughs> क्या बोला मैंने इसको? This is nothing but a स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब क्या है कितना खर्चा होना चाहिए था वर्सेस कितना खर्चा हुआ है उसको तो वेरिएंस बोलते हैं तो वही तो अपना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर है तो एप्स ओवरहेड निकालेंगे कैसे एप्स ओवरहेड हाउ डू वी फाइंड देखो एप्स रेट है रेट पर यूनिट हो सकता है या रेट पर आवर हो सकता है ऑब्जर्व करो एप्स ओवरहेड अलग अलग तरीके से आएगा डिपेंडिंग ऑन वट वॉज यूर मेथड ऑफ एबसॉप्शन रेटन का मेथड था ना मैंने आपको बोला पर एप्स के अलग अलग मेथड्स है कुछ भी हो सकता है ना देखो एप्स ऑफ डोरेड मेजोरिटी स्टूडेंट मेक अ ब्लैंडर लेट मी ऑल्सो मेक अ ब्लैंड फर्स्ट पर्पजफुली एक्चुअल आर्स तुमको भी लिखना है और कैंसिल करना है एक्चुअल आर्स इंटू एपसॉप्शन रेट पर आवर दिस इज बुलचिट क्रैप दिस इज एप्सोल्यूट नॉन सेंस क्यों एट द मोमेंट टू टेक एक्चुअल आर्स एक्ट इफिशियंसी का इंपैक्ट आ गया Your actual hours may be more, actual hours may be less, depending on efficiency. मैंने आपको एक दो दिन पहले पढ़ाई का गाइडेंस दिया था इतने इतने आर्स लगने चाहिए इस चैप्टर को ये सब्जेक्ट को इतने आर्स लगने चाहिए वो हो गया स्टैंडर्ड अब एक्चुअल में तुमको उससे ज्यादा लग सकता है एक्चुअल में तुमको मेरे को क्या करना है मेरे को कितना खर्चा हुआ वो नहीं निकालना है कितना खर्चा होना चाहिए तो यू शुड नॉट टेक

ना फॉर प्रोड्यूसिंग एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड आवर्स फॉर प्रोड्यूसिंग एक्चुअल आउटपुट समझ गया इन टू वॉट रेट ऑब्वियसली शुड टेक एप्स ऑप्शन रेट है पर आवर वाला तुमने आवर्स लिए और रेट पर यूनिट वाला लिया फिर मतलब तुम हम्म आई मस्ट टेक एपसॉप्शन रेट पर आवर यह क्या है बच्चों ये मल्टीप्लीकेशन करके क्या आएगा एप सॉफ्ट ओवर हेड कितना खर्चा होना चाहिए हाँ लेकिन आपको यूनिट्स के बेसिस पे करना है ओके आवर्स कैन बी मशीन आर्स आवर्स कैन बी लेबर आर्स को क्वेश्चन देखना पड़ेगा हाउ दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस आर्स कैन बी लेबर आर्स कैन बी मशीन आर्स तो अगर लेकिन आउटपुट के बेसिस पे करना है तो आप क्या एक्चुअल आउटपुट नॉट स्टैंडर्ड आउटपुट क्यों एक्चुअल आउटपुट के लिए कितना सी ये ये जो स्टैंडर्ड है न, ये है ना आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट ही और दूसरा भी मैंने क्या लिया एक्चुअल आउटपुट इनटू एप रेट पर यूनिट इसी को ही मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट बोलता हूं

स्टैंडर्ड आवर्स इंटू एबसॉप्शन रेट पर आवर और एक्चुअल आउटपुट इंटू एबसॉप्शन रेट पर यूनिट आर यू क्रिस्टल क्लियर अबाउट दिस ओके कम अप ओवरहेड के डेबिट सेट पर क्या लिखा मैंने एक्चुअल ओवर हेड इंकड अब जैसे जैसे प्रोडक्शन होते जाएगा वैसे वैसे हर प्रोडक्ट के लिए मैं ओवरहेड्स कितने एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड कैलकुलेट करेगा हे टेल मी इज एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड इक्वल टू एक्चुअल ओवरहेड नो एक्चुअल प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट या जॉब बाय जॉब मुझे कभी मालूम ही रहता आई रिपीट एक्चुअल ओवरहेड्स आर ऑन टोटल बेसिस Absorbed overhead are on job by job basis or work order by work order. हाँ या ना? Headline you go. Actual overheads are. Actual overheads are. On total basis. Actual overheads are on total basis. Whereas. Absorbed overheads are. Absorbed overheads are. Job by job. Absorbed overheads are. Job by job. जॉब बाई जॉब देखो यह है मेरा फैक्ट्री ओवर एड अब जैसे ही मेरा प्रोडक्शन हो जाएगा तो उस जॉब के लिए कितना खर्चा होना चाहिए था मैंने निकाल लिया उस जॉब को जाके मैं डेबिट करूंगा जॉब मतलब इनसेबस वी ओपन वन अकाउंट कॉल्ड एज डब्ल्यू आई पी कंट्रोल अकाउंट क्या बनाते हैं हम डब्ल्यू आई पी कंट्रोल तो ओवर एड्स यहां से चले जाएंगे बाय डब्ल्यू आई पी कंट्रोल अकाउंट मैजिक इज गॉन हैपन नाउ बाय डब्ल्यू आई पी कंट्रोल अकाउंट तो बेटा ये क्या है इज इट एक्चुअल ओवर एड नो वॉट इज दिस ये क्या है ये एप सॉफ्ट ओवर एड्स है डेबिट साइड पे क्या था एक्चुअल ओवर एड्स क्रेडिट साइड पे एप्सॉप ओवर दोनों का डिफरेंस विल बी आई द अंडर एप्सॉप्शन और ओवर एप्सॉप्शन ओवर एब्सोप्शन कब बोलेंगे जब absorbed are greater than actual मैं बोलूंगा ओवर एप्सॉप्शन जब एप्सॉफरिड एक्चुअल से कम है तो मैं बोलूंगा यही अंडर और ओवर एप्सॉप्शन जो है उसको ही हम बोलते वेरियंस ऑन योर स्क्रीन ओवर एप्सऑप्शन ऑब्लिक वेरियंस अंडर ऑब्लिक ओ ए अंडर ऑप्स यू एवर एप्सऑप्शन ओ ए वेरियंस अंडर एप्सॉप्शन का मतलब क्या है एक्चुअल ओवर एड्स आर लेसर देन ओवर नहीं एप्सॉप्ड ओवर एड्स आर उल्टा अंडर एप्सॉप्शन एप्सप्शन लेस है तुमने खर्चा लाख का, लेकिन cost में हुआ 40 ही. ही. क्यों है? तुमने खर्चा कितने का किया? पचास लाख कितना हुआ चालीस लाख डब्ल्यू में चालीस लाख ही चला गया अंडर अब्सॉर्प्शन इज नथिंग बट एडोवर्सियंस देखो अंडर एप्सॉप्शन देखो सिर्फ क्या है भाषा बदल रही है बस अंडर एबसॉप्शन इज नथिंग बट वॉट अंडर एबसॉप्शन इज सेम एज एडवर्स वेरियंस क्यों एडवर्स बोला मैंने एडवर्स क्यों बोला क्योंकि खर्चा हुआ पचास लेकिन एप्सॉब हुआ चालीस उसी को ही हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस अब बोलेंगे कहां से है डेबिट बैलेंस अभी तुमको उतना अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए मैंने खर्चा कितना किया 50 लाख डेबिट पे कितना आया 50 लाख अब्सॉर्ब कितना हुआ 40 लाख 40 लाख किधर है क्रेडिट पे तो डेबिट बैलेंस 10 लाख का है ना तो इसके अपोजिट क्या हुआ ओवर एब््सॉर्प्शन तो ओवर एब््सॉर्प्शन को क्या बोलेगा मैं फेवरेबल वेरिएंस ये बैकग्राउंड तुमको अगर क्लियर है तो ओवरहेड का चैप्टर मतलब और ये सब कुछ बहुत आसान जाने वाला है है अब हमारा सिलेबस जिसमें अंडर या अलग तरीके से करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एनालिसिस हम अकाउंटिंग एंगल से समझते हैं क्योंकि हार्ट क्यों भेजे इसने वॉट लिंकिंग अच्छा ठीक है मेरे को लगा माँ का लाडला प्यार मतलब वो करता था ना वैसा घटिया हो गया होगा नहीं थैंक यू थैंक यू पहली बार जिंदगी में सुना होगा लिंकिंग ऐसे हम हर बार करते रहते आज मैं सिर्फ कॉस्टिंग का लिंकिंग कर रहा हूं so, <laughs> जेन्युन कंसेप्ट जब सुनने जाओगे ना तो ऐसे ही पागल हो जाओगे ओवर एब्सॉप्शन इज नथिंग बट वॉट फेवरेबल वेरियंस फेवरेबल वेरियंस इज चीजें समझी है क्या तुमको हाईलाइटर लो उस ये किधर गया? किस मिलता है ना इससे नहीं ये फोटो आ गया आ। तो इसको कलरफुल चाहिए ना तुम लोगों को ले लो कलर सोरे so, बैठ हाँ। सुन सो कॉन्सेट कॉन्सेट्रेट बेसिकली वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज वी आर लिंकिंग टू चैप्टर्स दोनों से मैं, सिर्फ ओवर under चैप्टर में अंडर में जब एनालाइज करूंगा तब मुझे नॉर्मल एबनॉर्मल ऐसा bifurcation करके जर्नल एंट्री पास करना है और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम बिजनेस के एंगल से एनालाइज करने वाले मैंने अभी तक एनालिसिस नहीं सीखा मैंने सिर्फ आपको बैकग्राउंड एक्सप्लेन किया हाउ वी कैलक्यूलेट वेरियंस हाउ वी कैलक्यूलेट वॉट वेरियंस वेरियंस कैसे कैलकुलेट होता है वो हमने एक्सप्लेन किया तो अब मैं इसके बारे में अभी सारे करेंगे और फिर क्वेश्चन को आएंगे बेटा हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे तो पहले कॉन्सेप्ट होगा फिर क्वेश्चन पे आएंगे आई कैनॉट सॉल्व जस्ट द क्वेश्चन उससे कभी भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगा क्यों बेटा तुम्हारे एग्जाम में एमसीक्यू आने वाला है बहुत सारा लोग है ना सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन सोल्व करते हैं एमसीक्यू में क्या टाइप का ट्विस्टिंग होगा क्या टाइप का क्वेश्चन आएगा ये मुझे मालूम नहीं है ना मुझे मालूम पड़ेगा क्योंकि आईसीआई पेपर रिलीज नहीं करने वाला एमसीक्यू का वो पेपर वापस लेते हैं तो एमसीक्यू का जो क्वेश्चन आएगा वो नए क्वेश्चन आएंगे हर बार जब भी कभी एग्जाम दोगे तो यू हैव टू ट्रेन यूर ब्रेन इन सच अ वे दैट वट एवर वे एग्जामिनर आस्क क्वेश्चन यू शुड बी इन टू सॉल्व और उसके लिए कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग मस्ट है यह समझ में आया तुमको तो अंडर ऑब्लिक ओवर एब्सॉप्शन इज नथिंग बट अ वेरियंस अब उसका एनालिसिस अलग टाइप से हम करेंगे वेन वी डिस्कस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बैकग्राउंड मैंने एक्सप्लेन किया ऑफ लिंकिंग ऑफ विच टू चैप्टर ओवर इट चैप्टर एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अब मैं रिस्पेक्टिव वेरिएंस को शुरू करता हूं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमें मटेरियल कॉस्ट का वेरिएंसेस निकालना है लेबर का निकालना है ओवरहेड्स का निकालना है बट उसके पहले ब्रीफ में क्या है ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एवरी वन इज क्लियर अबाउट दिस लिंकिंग ये किसके लिए हमें कंपनिया ओवरहेड कॉस्ट वेरियंसेस के लिए ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं. अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है एक बेसिकली टेक्निक है जिसमें हम कितना खर्चा होना चाहिए था और कितना खर्चा हुआ है उसको कंपेयर करके उसका डिफरेंस निकालते जिसको हम वेरिएंस बोलते हैं और उस वेरिएंस का बिजनेस एंगल के हिसाब से हम एनालिसिस करते हैं एंड वी टेक करेक्टिव एक्शन तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या क्या चीजें आएगी सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सबसे पहले आएगा सेटिंग अप ऑफ अ स्टैंडर्ड सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड अब बोलेंगे सेटिंग अप ऑफ अ स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड मतलब क्या है बेंचमार्क दिस वर्ड स्टैंडर्ड इज बेसिकली नथिंग बट बेंचमार्क मापदंड पहले आपको बेंचमार्क सेट करना पड़ेगा क्या बेंचमार्क आप सेट करना पड़ेगा कि भाई मैन्युफैक्चरिंग करना है तो कितने यूनिट्स लगेंगे रॉ मटेरियल के टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स व्हाट ऑल रॉ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड हाउ मेनी आवर्स विल बी रिक्वायर्ड तो आई हैव टू डिफाइन नंबर ऑफ आवर्स और नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल क्या क्या रिसोर्सेस लगेंगे हर एक का मैं बेंचमार्क सेट करूंगा प्राइस का स्टैंडर्ड मुझे सेट करना पड़ेगा क्या प्राइस पे हम रॉ मटेरियल परचेस करेंगे क्या रेट हम वर्कर्स को पे करेंगे सैलरी का तो यू हैव टू सेट द स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स फिजिकल स्टैंडर्ड्स एंड प्राइस स्टैंडर्ड्स क्या बोला मैंने फिजिकल स्टैंडर्ड्स एंड बोलो प्राइस स्टैंडर्ड आप बोलेंगे मतलब मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल लगेगा दैट इज नोन एज फिजिकल स्टैंडर्ड वो रॉ मटेरियल क्या रेट पे आप परचेस करोगे रेट स्टैंडर्ड ऑब्लिक प्राइस स्टैंडर्ड हो गया तो रेट के बारे में हम स्टैंडर्ड सेट करते कि हमें रॉ मटेरियल ये रेट पे परचेस करना है ऑब्वियसली आप जब एक्चुअल करने जाओगे तो रेट अलग रह सकता है एक्चुअल जब करने जाओगे तो क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल यू माइट रिक्वायर मोर यू माइट रिक्वायर लेस इसीलिए तो वेरियंट आने वाला है ना यार तुमने जो प्रडिक्ट किया था और तुमको जो मिल गया वो सेम हो गया तो कैसे होगा तुमने जो मार्क्स प्रडिक्ट किए है एग्जाम में कितने आएंगे तुमको और जो तुमको एक्चुअल आएंगे वो सेम आगे तो कैसे होगा फिर एग्जाम का थ्रिल नहीं रहेगा ना आइदर देर कुड बी फेवरेबल वेरियंट और एडवर्स वेरियंस कुछ लोगों का एडवर्स वेरियंस लगा है इसलिए वापस फास्ट ट्रैक करना पड़ता है इट्स ओके एडवर्स वेरियंस शुड नॉट रिजल्ट इन टू स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन यू शुड एनालाइज द रीजन ऑफ एडवर्स वेरियंस माइट बी द मेथोडोलॉजी फॉलोड बाई यू कु्रेनिंग कुड बीन रॉन्ग माइट बी यू कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट मतलब रीजन कूड बी एनी थिंग यूर फोकस वॉज नॉट ऑन प्रोडक्शन

Standard cost is never ever for budgeted output. Standard cost is never ever for what? Budgeted output. Na. Calculate standard cost for actual output. Put, put. Right? So, एक्चुअल आउटपुट के लिए कितना खर्चा होना चाहिए था ठीक है एक बार आपने क्या किया स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल लिया ये किसके लिए हर एक एलिमेंट के लिए मटेरियल के लिए अलग निकलेगा लेबर के लिए अलग निकलेगा ओवर के लिए अलग निकलेगा विदिन ओवर एड्स यू कैन गो बाय रिस्पेक्टिव ओवर तो मैंने स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल लिया फिर हम क्या करेंगे कंपेयर स्टैंडर्ड कॉस्ट विथ बोलो

कैलकुलेशन है वेरिएंस कैलकुलेट होने के बाद क्या करोगे बोलो टेक करेक्टिव एक्शन टेक करेक्टिव एक्शन आपको करना सिर्फ पॉइंट नंबर टू एंड पॉइंट नंबर थ्री है क्यों उतना ही है ना आपके सिलेबस में कैलकुलेट करो स्टैंडर्ड कॉस्ट को कंपेयर दैट स्टैंडर्ड कॉस्ट विथ वॉट एक्चुअल कॉस्ट आर यू क्लियर थैंक यू देखो टेक अ करेक्टिव एक्शन अभी हम अलग अलग वरायसेस लर्न करेंगे पहले हेडिंग दे दो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस अब ये बैकग्राउंड अगर आपको क्लियर है ना तो सारे के सारे वरायसीज बहुत आसान जाने वाले हैं एंड देन प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑल्सो विल सॉल्व ऑल एग्जाम क्वेश्चंस आज क्वेश्चन नहीं आएगा आज मेरे को सारे कॉन्सेप्ट ओवर सारे कॉन्सेप्ट कवर अप करने मटेरियल कॉस्ट वेरियंस सुन लो अभी हर कोई वेरियंस जो है उसका फॉर्मूला क्या है एक ही है क्या फॉर्मूला है बोलो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट तो लिखिए एम सी वी इज इक्वल टू एम सी वी इज इक्वल टू बोलो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस व्हाट एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस व्हाट एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट दोनों का डिफरेंस क्या है मटेरियल कॉस्ट वेरियंस अब स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट मतलब कितना खर्चा होना चाहिए ता कैसे समझ में आएगा स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट मतलब क्या है एक्चुअल ये सब कुछ किसके लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट किसके लिए ऊपर लिखा था एक्चुअल आउटपुट के लिए ना तो ये निकलेगा स्टैंडर्ड ओके स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखता मल्टीप्लाइड बाय एस आर एसक्यू मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल कितना लगना चाहिए ता For producing actual output, what is SQ? SQ is quantity. Now, understand. Calculate. How to calculate? I will explain. Quantity of raw material that should have been should have been consumed for whom? For actual output.

हम स्टैंडर्ड दो टाइप के सेट करते हैं प्राइस का भी स्टैंडर्ड हमें सेट करना होता है हाँ ना तो एसक्यू मतलब कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए था। और SR मतलब क्या रेट पे हमने मटेरियल परचेस करना चाहिए था अब मुझे बोलो एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए एक ही टाइप का रॉ मटेरियल लगेगा ऐसे जरूरी है कैन इट रिक्वायर मल्टीपल टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल यस तो आई एम सेइंग टू प्रोड्यूस वन फिनिश गुड्स यू रिक्वायर मटेरियल ए मटेरियल बी मटेरियल सी एंड मटेरियल डी चार मटेरियल है बच्चों जब भी मल्टीपल मटेरियल्स रहते हैं ना हमेशा उनका मिक्सिंग का जो रेशो है या उनका मिक्सिंग का जो प्रोपोर्शन है वो रिलेवेंट होता है मटेरियल मस्ट बी इन अ पर्टिकुलर प्रोपोर्शन टू गेट अ प्रॉपर आउटपुट टू पास इन सी एग्जाम यू हैव टू स्टडी ऑल सिक्स पेपर इन अप्रोप्रियट प्रोपोर्शन नॉट इक्वल प्रोपोर्शन क्योंकि सिलेबस दो मार्क्स आर इक्वल syllabus is not equal you study you like one particular subject that's why you study more hours of that particular subject and you don't like a particular subject that's why you study lesser no you are going to get a defective output and adverse variance and then take a corrective action so point i am trying to put across is there has to be proper mixing the proportion matters a lot uske hisab se hum ASQ nikalne wale do minute patience rakna. एस क्यू इंटू एस आर करके क्या आया स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कहां से आएगा एक्चुअल क्वांटिटी इंटू वॉट एक्चुअल क्वांटिटी कहां से आता है दिस इज फ्रॉम स्टोर्स लेजर जब भी तुम मटेरियल फ्रॉम स्टोर्स लेजर इश्यू कॉलम स्टोर्स लेजर से इश्यू कॉलम आता है याद है स्टोर्स लेजर में रिसीट्स रहता है स्टोर्स लेजर में इशू रहता है तो इशू का जो कॉलम है ना वो क्या है एक्चुअल है इशू का जो कॉलम है वो एक्चुअल है डू यू अंडरस्टैंड दैट इंटू वॉट रेट एक्चुअल रेट ऑफ मटेरियल डू यू गेट दैट तो लेट मी एक्सप्लेन दिस कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरियंस विद अ वेरी वेरी सिंपल एग्जाम्पल करो मल्टीपल एक ही मटेरियल तो बहुत आसान है डू नॉट एक्सपेक्ट क्वेश्चन ऑन वन मटेरियल एक्सपेक्ट क्वेश्चन ऑन मल्टीपल मटेरियल तो मैं बोलता हूं हमारा बिल ऑफ मटेरियल कुछ ऐसा है टू मेक एग्जामिनर मे नॉट गिव यू वन एफ जी माइट गिव हंड्रेड एफ जी टू प्रोड्यूस देखो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं प्रोड्यूस

उंड एंड वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड टोटल कितना टोटल सिक्स वन जीरो जीरो हाँ बोलेगा सर क्या मिस्टेक कर रहे हैं सर ऊपर पांच हजार लेगा तुमने नीचे टोटल छह हजार एक सौ वो नॉर्मल लॉस है प्रोडक्शन में नॉर्मल लॉस मतलब बेसिकली इलेवन हंड्रेड के जीस का लॉस होगा ये मेरे को पहले से मालूम है अब एक्चुअल लॉस क्या हो सकता है ज्यादा हो सकता है एक्चुअल लॉस कम भी हो सकता है ये क्या है ये तुम्हारे को स्टैंडर्ड दे दिया हा है ना अब मैं लिख रहा हूं एक्चुअल इसका रेट फाइव थाउजेंड यहां पर रेट भी दे सकता रेट टाइम पर रेट सबसे आसान रहता है एट द रेट ऑफ थ्री पर के जी एट द रेट ऑफ फाइव पर के जी अपने के हिसाब से अपने लोअर लो अमाउंट लेते हैं टू पर के जी एट द रेट ऑफ फोर पर के जी टू थ्री फोर फाइव केजेस अमाउंट छोड़ दो ये तुम्हारा स्टैंडर्ड हो गया एक्चुअल आउटपुट इज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड केजीज आउटपुट इज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड केजीज कंजम्पशन नाउ इंपॉर्टेंट है तुमको एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड लिखा था मैंने एक्यू जो है ना फ्रॉम स्टोर्स लेजर इश्यू कॉलम इश्यू कॉलम में परचेस का क्वान्टिटी नहीं आता है क्वॉंटिटी कंज्यूम्ड आता है हमेशा याद रखना क्योंकि कुछ कुछ वेरियंस के लिए मैं कहीं कहीं पर भटकने वाला हूं और क्वॉंटिटी परचेस लेने वाला हूं अभी मैंने कौन सा क्वांटिटी लिया ये एक यू कौन सा है आई क्यू है तो आपको समझेगा यह है एक यू कंज्यूम क्वान्टिटी कंज्यूम्ड अलग है क्योंकि आगे एक वेरियंस है जो परचेस के हिसाब से आने वाला है Have? तो 5000 थाउजेंड के जी प्रोड्यूस करने के लिए मुझे ये अलग अलग रॉ मटेरियल लगते हैं एक्चुअल आउटपुट मेरा आया ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इज मटेरियल ए मटेरियल ए का कंज्शन हुआ है 7900 थाउजेंड नाइन हंड्रेड के एट द रेट ऑफ थ्री पॉइंट टू जीरो पर के ठीक है मटेरियल बी का कंजम्शन हुआ टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड के एट द रेट ऑफ फोर पॉइंट नाइन पर के जी हा ना मटेरियल सी यू माइट रिक्वायर समथिंग मोर सो टेन थाउजेंड नाइन हंड्रेड के एट द रेट ऑफ टू पॉइंट सिक्स पर के जी मटेरियल डी मटेरियल डी रिक्वायर्ड नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड केजीज एट द रेट ऑफ थ्री पॉइंट नाइनटी फाइव बस मैंने आपको यह दे दिया एंड आई वॉन्ट टू एनालाइज एवरीथिंग अब मैं सारे बहुत सारी चीजें में इंट्रोड्यूस करने वाला हूं इसके साथ तुमका एक बार मेटेरियल क्लियर हो गया लेबर का काम बहुत आसान है तुम्हारे लिए एक पहला एक टेबल तुमको पहले आना चाहिए कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए फिर एग्जाम में उसको एमसीक्यू पूछने दे उसको जो पूछना है पूछ ले रहे तू अब टोटल ले लो एक्चुअल का थर्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है बेसिक अगर तुमने दिमाग लगाया तो एक्चुअल और स्टैंड में फर्क है होना ही चाहिए होना ही चाहिए ना सारे वराइंसेस आपको एक साथ निकले प्लीज डू नॉट रिमेंबर एनी फॉर्मूला एट ऑल कुछ भी याद रखने का जरूरत नहीं आपको और ये क्या सर हमने तो रट लिया होगा अब तक मैंने तो कभी रटाया नहीं तुमको सो कॉन्सेंट्रेट टू प्रोड्यूस फाइव थाउजेंड वॉट केजीज के लिए इतना राउंड लग लगता है सुन लो अभी सबसे पहले आपको एसक्यू निकालना है ना एसक्यू मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपने टोटल जब भी ऐसा मल्टीपल मटेरियल देना टोटल बेसिस पे आप ये वर्किंग करना सुनो मैं क्या कर रहा हूं दो तीन वर्किंग कर रहा हूं मैं मैं पहले और फिर मैं एक टेबल बनाऊंगा और एक टेबल आपने अगर बना लिया ना सही तरीके से सारे के सारे आंसर्स आएंगे बिल्कुल मैकेनिकली याद नहीं रखना है सिंपल दिमाग लगाओ आपको क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में इनपुट आउटपुट रेशियो दिया रहेगा ये आपका इनपुट आउटपुट रेशो है आप बोलेंगे क्या 6,100 का इनपुट इज इक्वल टू 5,000 थाउजेंड का आउटपुट लॉस कुछ भी हो सकता है सो उल्टा हो सकता है क्या 3,000 थाउजेंड का इनपुट और 5,000 थाउजेंड का आउटपुट हो सकता है डिपेंड्स ऑन यूनिट मतलब वो कुछ नेचर ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा ना इट कैन बी एनीथिंग टू एनीथिंग मतलब देर कैन बी एडिशनल मिक्सिंग नॉर्मली बहुत कम जगह पे ऐसा दिखने मिलेगा आपको जहां पर वेट बढ़ चुका है वेट बढ़ने वाला चीज मेरे को नहीं समझता वेट कम होगा लॉजिकल है पहले क्या आइडेंटिफाई करो इनपुट आउटपुट रेशो मैं तुम्हारा वेट की बात नहीं कर रहा हूं मेरा वेट तो घटते रहता है सो so, ऑब्जर्व करो इनपुट आउटपुट रेशो हां पहले इनपुट आउटपुट रेशो समझ लो दो चीजें इसके ऊपर मेरे को काम करनी है इनपुट कितना है तुम्हारा स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना है 6100 का इनपुट हुआ तो आउटपुट कितना आता है फाइव थाउजेंड हमेशा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट रेशो लिखना क्या बोला मैंने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट रेशो है ना आई होप यू पीपल कैन कंटिन्यू टिल 11 ओ क्लॉक विदाउट अ ब्रेक है मतलब उतना एनर्जी है छोटे बच्चे नहीं हो आप मतलब हाँ मतलब जो वही तो तुम्हारा स्टेमिना बिल्ड होगा वही तो तुम डेवलप कर पाओगे ना स्टैंडर्ड है छह का इनपुट तो आउटपुट कितना बोला मैंने 5000 आया हाँ ना ये स्टैंडर्ड हो गया अब एक्चुअल में तुमने क्या किया एक्चुअल में तुमने इनपुट किया 31500 अब देखो मैं क्या लिखता हूं एक्चुअल इनपुट लिखता हूं मैं और आउटपुट को मैं क्वेश्चन करता हूं इनपुट input... पहले आपको रेशियो निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड रेशियो अब वो रेशियो आया हाँ ना एक्चुअल इनपुट के लिए कितना आउटपुट आना चाहिए ता निकालो ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड एंड ट्वेंटी पॉइंट एग्जैक्ट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड एंड ट्वेंटी राउंड ऑफ करके थोड़ा डिफरेंस आने वाला है लेट इट बी एग्जाम में बराबर वो मैच करके देते दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमको चाहिए ना इधर ये चाहिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल फिर बोले ऐसा क्यों सिखाया तुमने इसीलिए मेरे को गलत सिखाना था अब यही चीज हमें डायरेक्ट क्वेश्चनिंग पे गया ना कभी दिमाग में नहीं बैठेगी इनपुट आउटपुट ये अपने को चाहने लगने वाला है आगे जाके इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ईल्ड याददाश्त कुछ आ रही है क्या स्टैंडर्ड यील्ड यील्ड मतलब आउटपुट रे स्टैंडर्ड यील्ड कितना आउटपुट आना चाहिए था ये कितना इनपुट लगना चाहिए था नहीं है इकतीस हजार के साथ कितना आउटपुट आना चाहिए ठीक है ये लगने वाला है आगे जाके अभी काम का ठीक है नेक्स्ट आगे दूसरा वापस लिखूंगा भाई इनपुट आउटपुट 6,100, 5,000 का आउटपुट अब मैं आउटपुट में एक्चुअल आउटपुट लिखता हूं एक्चुअल आउटपुट है मेरा 25,000 फाइव थाउजेंड और मैं इनपुट को क्वेश्चन करता हूं इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल बोलो थर्टी थाउजेंड हजार पांच सौ ये क्या आया बेटा स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ होम रॉ ऑब्वियसली दिस शुड बी डिवाइडेड इन द सेम मिक्सिंग प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन जो भी था उनका स्टैंडर्ड का है यार मैंने प्रोपोर्शन भी बहुत गंदा लिया फिफ्टीन इज टू सेवन इज टू ट्वेंटी इज टू नाइनटीन ये प्रोपोर्शन ठीक है ना क्या रोते हो इस में मिक्स होना चाहिए। आएगा तुमको? तुमको? क्या मैंने तुमको? SQ and SY, आर हिंदुस्तान, पाकिस्तान दोनों में कॉमन चीज क्या था इनपुट आउटपुट रेशो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट रेशो आपको देखना था और वहां से एक्चुअल आउटपुट के लिए कितना इनपुट उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल इनपुट के लिए कितना आउटपुट उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड यील्ड हेडलाइन ऑनलाइन हेडलाइन लेक हेडलाइन मीन टॉप ऑफ द पेज स्टैंडर्ड यील्ड एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड यील्ड एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी आर हिंदुस्तान पाकिस्तान आर हिंदुस्तान पाकिस्तान कंप्लीटली डिफरेंट है क्या कंप्लीटली डिफरेंट है स्टैंडर्ड ईल्ड एंड वॉट स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्लियर हो गया तुमको और एक चीज स्टैंडर्ड वाला है स्टैंडर्ड मिक्स आने वाला है आ रहा है अब रुको अब कोई भी वेरिएंस कैलकुलेट करने के पहले ये टोट मटेरियल के लिए ये टेबल हमेशा बनाते रहना सो so, मैं क्या लिखेगा कैलक्युलेशन ऑफ कैलक्यूलेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरियंस कैलक्यूलेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरियंस देखो मटेरियल कॉस्ट वेरियंस हम कैलकुलेट कैसे करेगा कितने मटेरियल अपने पास चार तो ऐसे लिख देगा मटेरियल कॉलम के ऊपर कंट्रोल रखना साइज के ऊपर पहले हम स्टैंडर्ड के डिटेल लिखेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट के डिटेल तो उसके लिए मेरे को चाहिए एसक्यू एसक्यू मतलब क्या है रे स्टैंडर्ड क्वांटिटी कॉलम बहुत सारे आने वाले हैं एसक्यू इनटू एसआर करके आता है तुम्हारा स्टैंडर्ड कॉस्ट और फिर एक्यू एक्यू इन टू वे आर इसका मल्टीप्लीकेशन करके आता है एक्चुअल कॉस्ट फिर आगे जगह किसके लिए रखी है मैंने और कुछ चीजें मेरे को कैलकुलेट करने की है ठीक है ये सबको क्लियर है एसक्यू ए बी सी डी अब क्या करेगा एसक्यू मेरे पास टोटल बेसिस पे एसक्यू अवेलेबल है ऑनलाइन मर गया कह रहे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तुम्हारा चैट बॉक्स में चैट गया होगा लैग ये चालू है क्या लैग है क्या चालू है ना सो थर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड वॉट इज थर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज हाउ मच

ये भी मालूम नहीं तुमको तो शुभ मुहूर्त है आज एसक्यू बोलो एसक्यू सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना है थ्री थाउजेंड नेक्स्ट नेक्स्ट बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड रेट थ्री फाइव टू फोर थ्री फाइव टू फोर मल्टीप्लीकेशन करना टोटल निकालना स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगा सो कैलक्युलेट नाइनटी एट 98,000 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट इतना खर्चा आना चाहिए एक्चुअल क्वांटिटी वो तो दिया रहता है बोलो कौन सा क्वांटिटी लेके परचेस है कंज्यूम कंज्यूम बोलो ऊपर 7,900 2,000 नेक्स्ट 10,900 नेक्स्ट 9,000 सबका सब टोटल बोल 31 फाइव हंड्रेड एक्चुअल क्वानिटी हाँ ना रेट यार मैंने फालतू के रेट अलग अलग थ्री पॉइंट टू फोर पॉइंट नाइन मल्टीप्लीकेशन करना और टोटल लिखते मत बैठना मेमोरी प्लस करो कर रहे हो तुम बिना बोले मालूम मेरे को है बहुत कम ही चले फास्ट करना वो लियोनार्डो दिवसी एक हाथ से दो हाथ से पेंटिंग करता था तू एक हाथ से कैलकुलेटर एक हाथ से लिखता नहीं सकता वो oh, दो हाथ से पेंटिंग करता था कोई तो एक पेंटर था ना लियोनार्डो दिवसी था ना वो पिकस होता ओके okay. एक हाथ से लिखना चाहिए एक हाथ से कैलकुलेटर चलना चाहिए वन लैख फाइव फोर जीरो क्या है एक्चुअल कॉस्ट कम है या ज्यादा है ज्यादा है एक्चुअल तो मतलब क्या है एडवर्स इज तो इसको क्या बोलेंगे मटेरियल कॉस्ट ये जो पहला मैंने सिखाया फिर हम उसके बच्चे पता करेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरियंस इज स्टैंडर्ड कॉस्ट SQ इंटू एस आर है अपने पास माइनस एक्चुअल

बट द क्वेश्चनिंग इज वाई एक्स्ट्रा तो वाई डिड वी स्पेंड एक्स्ट्रा अमाउंट ठीक है तो उसका एनालिसिस करेंगे अभी तो लिखो एनालिसिस ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरियंस ऑब्बियसली एग्जाम में फुल फॉर्म यूज करेगा तुम एमसीवी अब दो रीजन होते जिसकी वजह से हम एक्स्ट्रा स्पेंड करते हैं आईदर रेट कुड है और वी माइट हैव मोर क्वांटिटी अब कुछ भी हो सकता है क्वांटिटी वी माइट हैव कंज्यूम मोर मतलब हमारा लॉस ज्यादा हो गया होगा एज कंपेर टू व्हाट वी हैड एंटीसिपेटेड कुछ भी हो सकता है ना चलो अभी हम एनालिसिस चालू करते हैं सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स रूपीज इनर रूपीज आउटर वंडरफुल चलो बेटा शुरू करते हैं सीरियल नंबर वन मटेरियल प्राइस वेरिएंस. मटेरियल प्राइस वेरिएंस. प्राइस इज बेसिकली व्हाट? अ डिफरेंस इन रेट्स. प्राइस वेरिएंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है तुम्हारा परचेस डिपार्टमेंट तो परचेस डिपार्टमेंट को बोलेंगे बेटा तेरे को बोला था ये रेट में खरीदने का तू ज्यादा रेट पे क्यों खरीदेगा फिर वो एक्सप्लेनेशन देगा वो बोलेगा सर वो जो ईरान के कुछ है वो रेड सी में अटैक कर रहे थे इसलिए हमें कहीं और से खरीदना पड़ा या हमें कोई दूर का रूट लेना पड़ा उसकी वजह से हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया और उसकी वजह से रेट जो था वो ज्यादा निकल के आया या हम बोल सकते सर वो मार्केट में इतना ज्यादा मटेरियल आ गया था तो सस्ते में मिल गया हमको यू कुड एंड अप बाइंग एट अ हायर रेट और यू कूड एंड अप बाइंग एट लोअर रेट डिपेंड्स ऑन केस टू केस हा है ना तो प्राइस वेरिएंस का मतलब बेसिकली क्या है प्राइस वेरिएंस का बेसिकली diff, डिफरेंस है स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट का डिफरेंस क्या बोला मैंने स्टैंडर्ड रेट द रेट एट विच वी should have purchased minus what actual rate it's basically a difference of rate responsible hai iske liye? purchase department what is the responsibility of purchase department to procure everything at standard rate purchase department ka responsibility hai to procure everything at standard rate

ज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू ब्रैकेट 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 ब्रकेट स्टैंड रेट ऊपर से कॉपी करो माइनस 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 एक्चुअल रेट कॉपी करो ब्रैकेट एक्चुअल कॉपी करो अगर एक्चुअल रेट ज्यादा है तो हम उसको एडवर्स बोलेगा एक्चुअल रेट कम है तो हम उसको फेवरेबल बोलेगा रेट कंपेयर करना है इट इज अ डिफरेंस ऑफ रेट एम पी वी तो तीन पांच दो चार थ्री पॉइंट टू पॉइंट नाइन टू पॉइंट सिक्स थ्री पॉइंट नाइनटी फाइव वेरी गुड एक क्वेश्चन समझ गया सब के सारे सारे आ गए मैं इसमें सब कुछ इंक्लूड किया मैंने क्वांटिटी लिखो ये आएगा तुम्हारा एडवर्स पहला दूसरा आएगा एफ फेवरेबल दैट इज एडवर्स फेवरेबल आउटर कुछ तो आएगा तुम्हारा चेक करो सो कंप्लीट फेवरेबल या एडवर्स एडवर्स कितना अब बोलो मुझे आप जब खुद पढ़ने बैठोगे कि आराम से खत्म हो जाएगा ना चैप्टर तुमको तुमको डर जो लग रहा है ना खत्म कर पाओगे आराम से खत्म कर पाओगे यार दूसरा वेरियंस ये हो गया तुम्हारा तो प्राइस वेरियंस रेट कैन बी आईदर मोर और रेट कैन बी लेस ये रेट का हो गया अब क्या करेंगे हम मटेरियल यूसेज वेरियंस यूसेज वेरियंस बोलते हैं कुछ लोग कुछ लोग उसको क्वांटिटी वेरियंस बोलते हैं कुछ भी बोलो मटेरियल यूसेज यूज करते टाइम पे यू कुड हैव यूज इधर मोर मटेरियल और यू कुड हैव यूज लेस एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड ये किसके लिए रिलेवेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने ज्यादा मटेरियल यूज किया या कम यूज किया इट इज बेसिकली डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड व्हाट एक्चुअल क्वांटिटी इनटू व्हाट रेट स्टैंडर्ड रेट जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इवैल्यूएट करेंगे ना हम तब हम स्टैंडर्ड रेट लेंगे स्टैंडर्ड रेट लेंगे प्राइस का डिफरेंस के लिए वाई शुड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी ब्लेम ना प्राइस डिफरेंस के लिए किसको गाली देना चाहिए हमने? कम है तो फेवरेबल क्वांटिटी कम क्वांटिटी में प्रोडक्शन किया तो अच्छा है ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन किया तो बुरा है इनटू स्टैंडर्ड रेट थ्री फाइव टू फोर कर लो कर लो कॉपी कर लो ऊपर से एडवर्स वेरिएबल कैलकुलेट करो मेंटेन द स्पीड डू इट ट्वेल्व हंड्रेड एडवर्स आउटर कॉलम दोनों का टोटल टैली होना चाहिए ऊपर के टोटल से एट फाइव फोर जीरो एडवर्स से एट फाइव फोर जीरो एडवर्स से टैली होना चाहिए चेक करके देखना शुड टैली इजीली चेक that out सबको समझ में आया क्या वेरी गुड तो तुम्हारा ज्यादा क्या है वो तो दोनों एडवर्स है तुम्हारा तुमने ज्यादा रेट पे भी प्रोक्योर किया है और तुमने क्वांटिटी भी ज्यादा यूज किया एज कम्पेयर टू वॉट यू शुड हैव इज क्लियर तो हमने मटेरियल कॉस्ट किया उसके कितने बच्चे किए दो अब अगले दो बच्चे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है कॉम्प्लीटेड मतलब थोड़ा दिमाग जरा ज्यादा लगाना पड़ेगा अभी क्या करेंगे हम सब एनालिसिस करेंगे किसका ये यूसेज वेरियंस जो है ना इसका हम फर्दर एनालिसिस करते हैं तो लिखिए क्या लिखेंगे सब एनालिसिस ऑफ मटेरियल यूसेज वेरिएंस सब एनालिसिस ऑफ मटेरियल यूसेज वेरिएंस सब एनालिसिस ऑफ मटेरियल यूसेज वेरिएंस देखो यूसेज वेरियंस इज अबाउट क्वांटिटी तुम यूसेज बोलो या क्वांटिटी बोलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है तुमने क्या किया quantity यहाँ पे ज्यादा यूज किया है ओवरऑल बेसिस पे लेकिन वो ज्यादा क्यों यूज किया वॉज इट बिकॉज रॉ मटीरियल वॉज ऑफ अ पुअर क्वालिटी एंड इट डिड नॉट ईल्ड गुड आउटपुट देखो एक सिंपल लॉजिक है सिंपल आई एम कोको कोला वी मेक माझा आई थिंक इज मेड बाय कोको कोला माझा माजा पेप्सी का है क्या ठीक है पेप्सी मेक्स माजा ड्रिंक है लेट्स अज्यूम दे मेक इट फ्रॉम पल्प बट लेट्स अज्यूम दे प्रोक्यूर मैंगोज और उनका रेशो है कि वन डजन मैंगोज से कितना पल्प आना चाहिए और उससे कितना वो ड्रिंक जो है वो बनना चाहिए उनका ठीक है आपने अच्छे क्वालिटी के मैंगोज ले लिए तो उससे एक डजन से एक्स क्वांटिटी में पल्प आना चाहिए अगर रॉ मटेरियल का क्वांटिटी uh, ही क्वालिटी ही खराब हुआ तो क्या होएगा आउटपुट कम आएगा इसलिए तुमको रॉ मटेरियल ज्यादा लगेगा सो यू माइट रिक्वायर मोर रॉ मटेरियल और यू माइट रिक्वायर लेस रॉ मटेरियल डिपेंडिंग ऑन क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल तो उसको हम बोलते हैं ईल्ड वेरियंस क्या वर्ड यूज किया मैंने का मतलब क्या है आउटपुट अब ठीक से सुनना इसको कैलकुलेट करने के दो अलग अलग तरीके हैं ये यह ये यहां पर कॉन्सेंट्रेशन लगने वाला है सीरियल नंबर पर्टिकुलस रूपीज रुपीज सीरियल नंबर पर्टिकुलस रुपीज रूपीज पहले देखो दिस इज बिकॉज ऑफ क्वालिटी क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल माइड बी गुड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल माइट बी पुअर मुझे बोलो ियल ऑफ क्वालिटी अच्छा मतलब तुमने जो स्टैंडर्ड एस्टिमेट किया था मैंने देखो ऊपर क्या लिखा था वन डो से हंड्रेड मिली लीटर रेशो छोड़ दो वन डजन मैंगो से हंड्रेड मिली लीटर का पल्प बनना चाहिए था यह आपका स्टैंडर्ड रो मैंगो बहुत अच्छे क्वालिटी का है तो क्या होगा चलो आपको यह नहीं समझाना निहारी का देख तेरे को अलग एग्जाम्पल देता ऑन एन एवरेज 100 बच्चे सीए कोर्स को ज्वाइन किए तो 10 बच्चे पास होते अज्यूम कर लो ये आ गया रेशो ठीक है अगर अच्छे क्वालिटी के स्टूडेंट्स आ गए तो क्या होगा 100 में से 12 पास हो सकते हैं 14 पास हो सकते हैं 15 पास हो सकते हैं हा है हाँ ना सो so, दूसरा क्या है अगर सो पुअर क्वालिटी के बच्चे आ गए तो क्या होगा सो किसके कंपैरिजन में कम पास हो गए हा है ना इट्स बेसिकली डिफरेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल विच आई वुड लाइक टू एनालाइज एज वॉट फर्दर कॉल्ड एज वॉट स्टैंडर्ड ईल्ड लेकिन हम बोलेंगे उसको क्या मटेरियल ईल्ड वेरियंट मटेरियल ईल्ड वेरियंस हा है ना हाँ. समझ गया मटेरियल इल्ड इल्ड मतलब आउटपुट कितना आउटपुट आना चाहिए था और कितना आउटपुट आया है दोनों का जो डिफरेंस है ना वो डिफरेंस हम यहां पर एनालाइज कर रहे हैं डिफरेंस इन हाउ मच इल्ड शुड हैव बीन देयर एंड हाउ मच इल्ड इज देयर एक्चुअली ऑब्वियसली डिफरेंस रहेगा ना अब देखो क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर मैं मटेरियल बाय मटेरियल नहीं कर रहा हूं यहां पर मैं टोटल बेसिस पे कर रहा हूं आउटपुट बेसिस पे कर रहा हूं ठीक से सुनो क्या लिखा मैंने स्टैंडर्ड ईल्ड स्टैंडर्ड ईल्ड का मतलब कितना आउटपुट आना चाहिए ता कितना आउटपुट आना चाहिए माइनस वॉट एक्चुअल इल्ड इल्ड रॉ मटेरियल के टर्म्स में नहीं है इज नॉट इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल इल्ड इज इन टर्म्स ऑफ फिनिश गुड्स और आउटपुट कितना आउटपुट आना चाहिए था इन माइनस कितना आउटपुट आया है इन टू स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एस सी एम पर यूनिट क्या बोला मैंने इंटू एस सी एम पर यूनिट स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट अभी मैंने स्टैंडर्ड हिल तो ऊपर निकाला था स्टैंडर्ड हिल का मतलब क्या है एक्चुअल इनपुट के लिए कितना आउटपुट आना चाहिए देखो मैंने ऊपर लिखा है कहां पर ये ऊपर हमने कैलकुलेट किया था ना इतने इनपुट के लिए इतना आउटपुट आना चाहिए तो इकतीस हजार पांच सौ के इनपुट के लिए इकतीस हजार 500 के इनपुट के लिए कितना आउटपुट आना चाहिए 25820 25820 व्हाट इज 2520 स्टैंडर्ड यील्ड इतना आउटपुट आना चाहिए ता एक्चुअली क्या है 20 25000 इज एक्चुअली कहां पर दिया है ऊपर दिया है ना एस सी हमने अभी तक नहीं निकाला स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट ये ए का नहीं है ना बी का है ना सी का है ना डी का है चौदह रुपया अरे गधे वो नहीं है स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स सुनो अभी कैसे निकालते सुन लेना ठीक से ये देखो यहां तक आ गए सब लोग ये क्या है स्टैंडर्ड कॉस्ट किसके लिए है यह स्टैंडर्ड कॉस्ट यह स्टैंडर्ड कॉस्ट रहता है एक्चुअल आउटपुट का यह नाइनटी एट थाउजेंड जो है ना यह एक्चुअल आउटपुट एक्चुअल आउटपुट कितना तुम्हारा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड नाइनटी एट थाउजेंड रुपीज इज कॉस्ट फॉर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड केजीज ऑफ फिनिश गुड्स उजेंड के जी के लिए नाइन एट थाउजेंड तो वन के जी के लिए हाउ मच नाइनटी एट अपॉन दिस तो हाउ डू यू कैलकुलेट यहां पर ये जो शुरुआत वाले आइटम्स रहते हैं ना यहां पर तुम निकाल सकते हो नीचे निकालते चलो अभी एक थोड़ा सा जगह छोड़ दो आठ दस लाइन और छोड़ दो और उसके नीचे वर्किंग नोट लिखते हैं क्या वर्किंग नोट लिख लिया स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ Material SCM per unit of finished goods. How do you get it? Standard cost of material is very easy. It is standard cost for actual output. Standard cost for whom? Actual output divided by actual output. उटपुट तो ऑटोमेटिकली पर के जी आएगा ना यार कितना था स्टैंडर्ड कॉस्ट तुम्हारा टोटल बोलो बोलो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना हाउ मेनी केजीज तो पर केजी कितना था पॉइंट नाइन टू एक्जैक्ट था क्या और था एग्जैक्ट था ये पर के जी थ्री पॉइंट नाइनटी टू पर केजी वॉट इज थ्री टू पर के जी एक यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए थ्री पॉइंट नाइनटी टू का क्या लगता है रॉ मटेरियल लगता है यू नीड अ रॉ मटेरियल ऑफ थ्री पॉइंट नाइनटी टू फॉर वॉट वन यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स समझो लेकिन हमने कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस किया अरे बोलो हमने क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस किया है 25000 25000 एक्चुअल आया प्रोड्यूस कितना करना चाहिए था अब ने मेजॉरिटी स्टूडेंट क्या याद रखते हैं मालूम है या प्लस आया तो फेवरेबल नेगेटिव आया तो एडवर्स तो बच्चा सोचता है सर स्टैंडर्ड हील्ड 25000 820 25000 820 क्या है ये आना चाहिए था आउटपुट आया कितना 25000 डिफरेंस पॉजिटिव है इसलिए बच्चा बोलता है फेवरेबल नहीं मैंने कभी भी नहीं बोला पॉजिटिव मीन्स फेवरेबल एंड निगेटिव मीन्स एडवर्स ये क्या है बेटा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एट माइनस ट्वेंटी फाइव एडवर्स है क्यों आउटपुट कम आया है मल्टीप्लाई करके बोलो थ्री थ्री टू वन फोर पॉइंट फोर ए ए का मतलब क्या है एडवर्स समझा गया सबको एडवर्स क्यों आया क्योंकि क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल पुअर रह सकता है या बाकी कुछ भी रीजन हो रीजन को इंट्रोस्पेक्ट करना फर्दर स्टेप होता है वो आपके सिलेबस में करेक्टिव एक्शन बच्चा फेल क्यों हुआ करेक्टिव एक्शन लेने के पहले आपको इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा बहुत सारा बच्चा इंट्रोस्पेक्शन ही नहीं करता है बहुत सारा बच्चा अलग तरीके से पढ़ना ही नहीं चाहता है मैकेनिकल तरीके से पहले पढ़े हो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल तरीके से देखो पढ़ के क्योंकि मैकेनिकल तरीके से पढ़ोगे तब कब पास हो जाएगा अगर स्टीरियो टाइप पेपर आ गया जो सालों साल आते रहता है लेकिन कभी कभी एक अड्डा पेपर में गुगली आती है चार में से एक गुगली आएगी या छह में से दो गुगली आएगी गुगली जब आती है तब आप कैसे खेल पाते हो वो इंपॉर्टेंट है तो इंट्रोस्पेक्शन जरूरी है अब इसको कैलकुलेट करने का और एक तरीका है हैव पेशेंस आई एक्सप्लेन सो सो मटेरियल यील्ड वेरिएंस यील्ड वेरिएंस का मतलब क्या बोला यील्ड इज डिफरेंस इन आउटपुट अ डिफरेंस इन स्टैंडर्ड यील्ड माइनस व्हाट एक्चुअल यील्ड और मटेरियल मिक्स वेरिएंस क्या बोला मैंने मटेरियल मिक्स वेरिएंस मिक्स मतलब मिक्सिंग का प्रोपोर्शन क्या हो रहा है मिक्सिंग का प्रोपोर्शन अलग हो सकता है हा है ना ऑब्वियसली प्रोपोर्शन कुछ भी हो सकता है ना जो तुम्हारा स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन था और जो एक्चुअल प्रोपोर्शन है दोनों सेम रहेंगे क्या अलग हो सकते हैं ना तो हम डिफरेंस निकालेंगे बिटवीन वॉट स्टैंडर्ड मिक्स एंड वॉट एक्चुअल मिक्स सुन लो ठीक से एक्चुअल मिक्स इज नथिंग बट एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड एक्चुअल मिक्स मतलब क्या है जो एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम हुआ है एस एम इज नॉट एसक्यू बहुत सारा बच्चा इसमें ही मिस्टेक करता है एसएम मतलब एसक्यू लेता है गलत एस एम एंड एसक्यू आर हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान एसक्यू मतलब क्या था कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए था फॉर प्रोड्यूसिंग एक्चुअल आउटपुट आ जाओ ऊपर टेबल देखो टेबल 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 देखो इसमें एसक्यू किया था मैंने मैंने रेशो निकाला था 6100 और 5000 लिखा हा ना 25000 आउटपुट के लिए कितना इनपुट लगना चाहिए था उसको मैंने बोला एस क्यू अब मुझे एस क्यू नहीं चाहिए आई डोंट वॉन्ट स्टैंडर्ड क्वांटिटी वॉट डू आई वॉन्ट स्टैंडर्ड मिक्स स्टैंडर्ड मिक्स का मतलब क्या है यही जो एक्चुअल क्वांटिटी है ना इसी एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में मिक्स करना है स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन मतलब तुम्हारा ये वाला प्रोपोर्शन है या ऊपर जो लिखा था वो वाला फिफ्टीन इज टू सेवन इज टू ट्वेंटी इज टू 19 ये क्या है आपका स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन है ना मुझे बोलो ये जो एक्चुअल क्वांटिटी है इज इट इन द सेम प्रोपोर्शन नो एक्चुअल क्वांटिटी इज इन सम डिफरेंट प्रोपोर्शन ये चाय बनाने के लिए लेट्स से 50 मिलीलीटर की चाय है 30 मिलीलीटर का मिल्क होना चाहिए 20 मिलीलीटर का क्या होना चाहिए वाटर होना चाहिए हां है ना यस yes, नो no? अब मुझे बोलो एक्चुअल में एग्जैक्टली exactly सेम लगेगा क्या

यही एक्चुअल क्वांटिटी लिखनी है इकतीस हजार पांच सौ और उसी एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में आपको रिवाइज करना है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मिक्स क्या वर्ड यूज किया मैंने स्टैंडर्ड मिक्स स्टैंडर्ड मिक्स का मतलब क्या है एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन आई रिपीट एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन थर्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड विच प्रपोर्शन इन द स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन स्टैंडर्ड प्रपोर्शन क्या है तुम्हारे क्वेश्चन प्रपोर्शन रहेगा ना कुछ तो क्या है फिफ्टीन इज टू सेवन इज टू ट्वेंटी इज टू वॉटवर वॉटर कितना है प्रपोर्शन बोलो स्टैंडर्डमिक्स सेवन 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 फोर सिक्स ऑर्डर है क्या आगे ठीक है अभी कुछ तो राउंड ऑफ करके लिखो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा देर विल बी सम डिफरेंस इन वॉट कैलकुलेशंस सेवन सेवन फोर सिक्स नेक्स्ट थ्री सिक्स नेक्स्ट टेन थाउजेंड थ्री ट्वेंटी एट नाइन एट वन वन क्या किया आपने उसको प्रपोर्शन में लिया कौन सा प्रपोर्शन है फिफ्टीन इज टू सेवन इज टू ट्वेंटी इज टू समझ में आएगा सबको आई अज्यूम एवरी वन इज क्रिस्टल क्लियर अबाउट दिस सुन ये आ गया नीचे स्टैंडर्ड मिक्स स्टैंडर्ड मिक्स क्लियर है क्या स्टैंडर्ड मिक्स इज नथिंग बट एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन नीचे आ जाओ वही नीचे लिखना आपको क्या करना है ये मटेरियल मटीरियल ए बी सी डी युवा कौन गो नहीं थोड़ा फर्क आएगा ऊपर से कॉपी करो हमेशा याद रखना स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल मिक्स का टोटल सेम रहता है ऑनलाइन पब्लिक समझाया तुमको एस एम और ए एम का टोटल सेम रहता है ए एम इज नॉट आफ्टर मॉर्निंग एम मतलब एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम बोलो एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम सर एक्चुअल बोलो ना सेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नेक्स्ट टू थाउजेंड नेक्स्ट टेन थाउजेंड नेक्स्ट नाइन थाउजेंड वेरी गुड स्टैंडर्ड मिक्स कहां से करोगे स्टैंडर्ड मिक्स हमने ऊपर निकाला ना ये यहां पर इसका जो टोटल इकतीस पाँच सौ था ना इसका भी टोटल इकतीस पाँच सौ ही रहने वाला है हमेशा टोटल तो सेम ही रहता है इन टू स्टैंडर्ड रेटा थ्री फाइव टू फोर स्टैंडर्ड रेट थ्री फाइव टू फोर था मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड रेट इट इज अ डिफरेंस इन स्टैंडर्ड मिक्स एंड एक्चुअल मिक्स डू इट डू इट ये आपको क्लियर होगा लेबर बहुत आसान है इससे आपको एमसी की क्वेश्चन आने दो कुछ भी आने दो कुछ भी कर सकता तुम कंप्लीट करो थ्री फाइव फोर टू स्टैंडर्ड मिक्स ऊपर से कॉपी करो इफ यू हैव टेकन एक्चुअल मिक्स मिक्स। इज मोर देन द स्टैंडर्ड है ना हाँ, तो यूज होना चाहिए था। लेकिन तुमने यूज किया ज्यादा यूज कि किया तो हम क्या बोलेगा इसको एडवर्स पहले वाला एडवर्स दूसरा वाला मालूम नहीं मुझे दूसरा फेवरेबल तीसरा चौथा उटर कॉलम टू वन टू जीरो पॉइंट कुछ आ रहा है क्या favorable, adverse? Favorable. क्या फेवरेबल एडवर्स फेवरेबल क्या कैसे फेवरेबल निकलना है एडवर्स Ad, में से यार <laughs> एडवर्स मतलब फेवरेबल का टोटल लो माइनस एडवर्स करो अगर माइनस है तो एडवर्स है टेक अ टोटल ऑफ बोथ यू गो गो मैड दोनों का टोटल ले टू एडवर्स है फेवरेबल है ना टोटल कितना, कितना है वन थाउजन टू हंड्रेड जीरो वन पॉइंट फोर एडवर्स एक रुपये का फर्क आया एक रुपया चालीस पैसे का फर्क आया ऑबियसली क्यों फरक आय अरे ऊपर आया कितना था मटेरियल यूसेज बारह सौ एडवर्स आया हा ना 1200 adverse आया था नीचे मेरा 1201 रुपी आ गया Obviously that is because of rounding off. Excel में करोगे तो आएगा अभी तक मैं नहीं हुए। और एक point मुझे छोटा सा explain करना बहुत बहुत बढ़िया है सुन लेना कम बच्चे ट करते हैं देखो मैं इतना पूरा सब कुछ एक्सप्लेन किया है लॉजिक के साथ क्यों मुझे मालूम नहीं है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा अब इसके बाद तुम प्रैक्टिस करो ना प्रैक्टिस करेंगे सो so,

मटेरियल बाय मटेरियल नहीं था ये क्या था ये टोटल बेसिस पे था ये क्या बेसिस पे था टोटल बेसिस पे था स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल अगर आपको मटेरियल बाय मटेरियल करना है ना तो भी फॉर्मूला है मेरे पास अगर आप तीन चार लाइन लगेगा जगह है तो वहां लिखो नहीं तो नीचे लिखो मटेरियल ईल्ड वेरियंस एम वाई वी मटेरियल इल्ड वेरियंस और एक तरीके से भी आता है सेम आंसर आएगा मटेरियल इल्ड वेरियंस ऊपर मैंने क्या किया था इल्ड वॉज आउटपुट इनस्टेड ऑफ टेकिंग इट ऑन वॉट आउटपुट आई एम टेकिंग इट ऑन सम डिफरेंट बेसिस ऑब्जर्व वॉट आई एम राइटिंग एसक्यू एसक्यू माइनस एस एम एस एम मतलब स्टैंडर्ड मिक्स इन टू एस आर एस आर इज पर यूनिट ये एस एम आपके पास ऊपर ही इधर ही है सेवन फाइव फोर सिक्स फाइव कहता रे बोलना ऊपर से कॉपी कहते हैं इधर सेवन ए सिक्स नेक्स्ट टेन थाउजेंड और नेक्स्ट नाइन एट समझा एमवाई भी अलग तरीके से भी निकाल सकते डिफरेंस बिटवीन एस क्यू एंड एस एम ये मटेरियल बाय मटेरियल है ए बी सी डी इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इज इक्वल इक्वल टू टू ब्रैकेट 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 एसक्यू बोलो एसक्यू एसक्यू ऊपर है आपका एस क्यू एस एम अलग है एस क्यू एस एम एम कंफ्यूज मत होना ये देखो ये पहला टेबल है इसमें एस क्यू भी है ए क्यू ही, AM है. AQ ही एम है शक्तिमान ही गंगाधर है oh! जो भी था वो वट एवर नॉन तुम्हारे घटिया लेवल के जोक्स हा इसको हम बोलते हैं एस एम सो खुश हो गए बच्चे क्या बोले अच्छा एक यू को एक यू लिखा मैंने हा AQ ही एम है सर इट इज सेवन सेवन फोर सिक्स कौन सा अच्छा सेवन फाइव नहीं था क्या वो सेवन सेवन था ओके ठीक है सेवन सेवन हाँ चलो एस क्यू बोलो मुझे पहले सेवन थाउजेंड नेक्स्ट नेक्स्ट टेन थाउजेंड नेक्स्ट नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस 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 एस एम सेवन सेवन फोर सिक्स थ्री सिक्स टेन थाउजेंड थ्री ट्वेंटी एट एंड नाइन एट वन वन ब्रैकेट 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 एस आर इज थ्री फाइव टू फोर थ्री फाइव टू फोर इज योर स्टैंडर्ड रेट अब ये क्या है एसक्यू इतना लगना चाहिए था लगा सेवन सेवन फोर सिक्स स्टैंडर्ड मिक्स इज एक्चुअल क्वांटिटी ओनली इन द स्टैंडर्ड रेश बोलो ज्यादा लगा ना कितना है टू हंड्रेड एंड फोर्टी सिक्स इंटू थ्री एडवर्स सेवन थर्टी एट वॉट एडवर्स सेवन थर्टी एट एडवर्स हा है ना नेक्स्ट क्या बोले फाइव सेवेंटी फाइव एडवर्स नेक्स्ट सिक्स ट्वेंटी सिक्स फिफ्टी सिक्स नेक्स्ट वन टू सबका टोटल लो थ्री टू वन थ्री एडवर्स मैजिक इज ये देखो यहां पे और यहां पर ऊपर का मैंने क्या किया था टोटल बेसिस पे निकाला था ये आंसर मैंने क्या किया आइटम बाय आइटम अब आइटम बाय आइटम करो या टोटल बेसिस पे करो आंसर वही आएगा हा ऑन योर स्क्रीन मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दो बच्चे मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल रेट वेरिएंस मटेरियल यूसेज ऑब्लिक मटेरियल क्वांटिटी क्वांटिटी के दो बच्चे वापस मटेरियल मिक्स मटेरियल ईल्ड क्लियर है क्या राउंडिंग ऑफ डिफरेंस इग्नोर करना एक बार क्वेश्चन देखना और सिर्फ वापस सारे फॉर्मूलाज देखो एक बार मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो सबसे पहले था उसके लिए क्या लिया मैंने स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का डिफरेंस इट इज एस एंड एस का डिफरेंस सर क्यू इंटू एस आर माइनस ए क्यू इंटू क्लियर है इसको बोलते हैं गॉड फादर ओवरऑल मतलब मटेरियल कॉस्ट का टोटल बेसिस पे वेरिएंस इज एस क्यू इंटू एस आर आर यू क्लियर ऑन दिस एसक्यू कहां से आता है एसक्यू इज अ रॉ मटेरियल क्वांटिटी एसक्यू इज नॉट आउटपुट क्वांटिटी तो एसक्यू के लिए मैंने क्या किया था यहां पर एक क्वेश्चन दिया था आपको इनपुट आउटपुट रेशियो में इनपुट लिख के आउटपुट को क्वेश्चन किया तो वो स्टैंडर्ड एल्ड होता है इनपुट आउटपुट रेशियो लिख के इनपुट को इनपुट uh, आउटपुट का अमाउंट लिखा और इनपुट को क्वेश्चन किया क्वांटिटी ऑफ़ मटेरियल अगर इनपुट को क्वेश्चनिंग करोगे तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मेटेरियल होरवीन एस क्यू एंड एस वाई हा फिर हमने एक टेबल बनाया टेबल बना के वो निकाल लिया और उसी एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल क्वांटिटी ये जो एक्चुअल क्वांटिटी ना ये वाली इसी को ये टोटल को ये टोटल को ये इस प्रोपोर्शन में जब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूं तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मिक्स वो आगे जाके काम में आता है है हाँ ना और एक चीज याद रखना ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है दिस इज फॉर एक्चुअल आउटपुट एट फाइव फोर जीरो क्या आया मेरा मटेरियल कॉस्ट वेरियंस है फिर मैंने उसके कितने बच्चे पैदा किए दो क्या नाम है उन दो बच्चों के मटेरियल प्राइस वेरियंस एंड मटेरियल Price and what? Usage. Price variance was a difference in rate multiplied by actual quantity consumed. Na? Difference in rate into actual quantity consumed. Why? Purchase department ke to difference in rate. Hi na yaar. And they should be held responsible for entire quantity. Or usage variance is a difference in quantity. Difference in quantity into what rate? स्टैंडर्ड रेट, अंडरस्टूड? और वो करके हमने टोटल वेरिएंस का ब्रेकअप टैली कर लिया और फिर मोर इन प्रोसेसिंग बिकॉज यू वर्कर्स वेयर न्यू वर्कर्स को समझा नहीं प्रोडक्शन प्रोसेस ठीक से तो उनका धोने मिस्टेक कर लिया और उससे क्या होगा लॉस ज्यादा आ गया कैन इट हैपन स्टैंडर्ड ये क्या बेसिस पे क्या मैंने यील्ड वेरिएंस दिस यील्ड वेरिएंस आई हैव वर्कड आउट ऑन टोटल बेसिस इट इज अ डिफरेंस इन स्टैंडर्ड यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड अंडरस्टूड इनटू व्हाट रेट स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर मटेरियल कॉस्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस मिक्स वेरिएंस कहां से आया दिस अ डिफरेंस इन स्टैंडर्ड मिक्स एंड एक्चुअल मिक्स इनटू व्हाट रेट स्टैंडर्ड रेट यील्ड वेरिएंस का और एक फॉर्मूला था डिफरेंस इन एसक्यू एंड एसएम एसक्यू एसएम का डिफरेंस इज यील्ड एंड एसएम एम का डिफरेंस इज मिक्स हा ना बीच में कॉमन क्या है बीच में कॉमन है एसएम देखो एक सिंपल थिंग एसक्यू इधर लिखा मैंने एसएम इधर लिखा मैंने एएम एएम का टोटल और एसएम का टोटल सेम रहता है इनका डिफरेंस जो है वो है एम एम वी मटेरियल मिक्स वेरियंस और एसक्यू और एस एम का टोटल का टोटल सेम नहीं रहता है यह मत जस्ट बिकॉज स्टैंडर्ड इज देयर डोट गेट कन्फ्यूज एस क्यू एंड वॉट इनका टोटल सेम रहता है क्या नहीं इससे क्या आता है मटेरियल इल्ड वेरियंस आई एम डन विथ मटेरियल

अब लेबर बहुत आसान है आपके लिए क्यों पूरा स्ट्रक्चर सेम है लेबर के लिए सिर्फ एक वेरिएंस थोड़ा ऐड होने वाला है इडली टाइम आइडल टाइम वेरिएंस एक वेरिएंस ऐड होगा बस आइडल टाइम वेरिएंस डाउट क्लियर यस राइट लेबर कॉस्ट 10-15 मिनट खत्म करेंगे 10:45 आई विल आई विलीव यू इनस्टेड ऑफ ब्रेक सो यू कैन गेट अ डिसेंट ब्रेक ह बेटा 10:45 हर रोज हम 8 बजे शुरू करेंगे और 10:45 को खत्म करेंगे ऑनलाइन पब्लिक रिकॉर्डेड पब्लिक तुमको तुम्हारे हिसाब से जैसा ब्रेक लेना है तुम वैसा ब्रेक ले सकते हो लेकिन बेटा कंसिस्टेंसी रखोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस और ये रिवीजन है तो ये अज्यूम्ड है कि आपको विजन है थोड़ा बहुत आपको मालूम है आई एम uh, सो स्टैंडर्ड मिक्स इज नथिंग बट एक्चुअल क्वांटिटी इन वॉट स्टैंडर्ड मिक्स इज नथिंग बट एक्चुअल क्वांटिटी इन द स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन एस एम और एस क्यू में बहुत बड़ा अंतर है इसी ए एम को दिस ए एम इज इन दिस इज एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल रेशियो और एक्चुअल प्रोपोर्शन एस एम इज वॉट इट इज ऑल्सो एक्चुअल क्वांटिटी बट इन वॉट स्टैंडर्ड प्रपोर्शन बट इन वॉट प्रपोर्शन स्टैंडर्ड प्रपोर्शन हा है ना नेक्स्ट आई होप समझा एसक्यू क्या था एसक्यू वॉज क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन एसक्यू और एस एम में कुछ सिमिलैरिटी है स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन यह सिमिलैरिटी है एस एम और एएम में भी सिमिलैरिटी है एक्चुअल क्वांटिटी लेकिन प्रपोर्शन अलग है इन एस एम और एम में सिमिलरिटी क्या है एक्चुअल क्वांटिटी डिफरेंस क्या है एस एम एम में प्रपोर्शन एसक्यू और एस एम में डिफरेंस क्या है क्वांटिटी अलग अलग है लेकिन सिमिलरिटी क्या है प्रोपोर्शन एस क्यू और एस एम का प्रपोर्शन सेम रहता है चलो लेबर कॉस्ट के मैं आपको एक बार चार्ट बना के देता हूं सारे वराइंसेस एंड देन दस पंद्रह मिनट एक्सप्लेन करता हूं यू कैन

Godfather variance is same. Godfather variance is? Same. 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 Labor cost variance is equal to standard cost minus what? Actual cost. Standard cost minus actual cost is known as what? Labor cost variance. Standard cost minus actual cost is nothing but labor cost variance. Do you agree? स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे आएगा बेटा स्टैंडर्ड कॉस्ट इज नथिंग बट स्टैंडर्ड आवर्स इन ऑफ एस क्यू वी आर गोइंग टू से एस एच स्टैंडर्ड आवर्स कितना टाइम लगना चाहिए था स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय

हमारे सिलेबस में अपने पास क्या होता है लिमिट रहता है कितना क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं इसलिए पूरे स्किल्ड कैटेगरी का रेट पर आवर हम सेम अज्यूम करते हैं लेकिन सारे के सारे वर्कर एक टाइम पे ज्वाइन किए सबका एक्सपीरियंस सेम है ऐसा नहीं होता ना तो क्या होता है रियालिटी में आपको ये वर्कर बाय वर्कर कैलकुलेशन करने पड़ेंगे नॉट नेसेसरी बाय कैटेगरी बाय कैटेगरी सो स्टैंडर्ड आर्स दिस इज फॉर डायरेक्ट वर्कर्स ये जो लेबर कॉस्ट है डायरेक्ट लेबर का है क्योंकि इनडायरेक्ट लेबर जो है वो तो ओवर है वो ओवर को गए ही नहीं अभी तक जो मटेरियल 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 डिस्कस किया वो भी कौन सा था डायरेक्ट ओनली हाउ कम डायरेक्ट मटेरियल ओनली डायरेक्ट मटेरियल की बात किया ना हमने क्योंकि इनडायरेक्ट मटेरियल जो है वो कहां पर जाएगा तुम्हारा ओवर में जाएगा ना इनडायरेक्ट मटेरियल समझ में आया गया तो एक्चुअल कैसे आएगा एक्चुअल ओह एक चीज बोलना है मुझे एक्चुअल आरस पेड फॉर एक सेकेंड ऊपर जो है ना ऊपर एक चीज मुझे बोलना भूल बुल गया मैं Material, price variance, इसमें मैंने कंज्यूम्ड लिया अभी इस क्वेश्चन में मैंने दिया नहीं था इधर अल्टरनेटिवली परचेस भी ले सकते हो अगर एग्जाम में दोनों क्वांटिटी दिए क्वांटिटी परचेस भी दिया और क्वांटिटी कंज्यूम भी दिया दोनों आंसर देखे कर पे आओ अगर क्वांटिटी परचेस यहां पे लोगे आप और ये यूसेज वेरिएंस यूसेज वेरिएंस इज ऑलवेज विद क्वांटिटी कंज्यूम प्राइस वेरिएंस के सिर्फ दो फॉर्मूला है इनसेट ऑफ क्वांटिटी कंज्यूम्ड सम पीपल कंसिडर क्वांटिटी परचेस आल्सो पॉइंट बोलता हूं सुनो मैंने मटेरियल आज परचेस किया तो वेरिएंस मैं परचेस के टाइम पे कैलकुलेट करूं या मटेरियल जब कंज्यूम होगा तब कैलकुलेट करो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो क्या करने का एग्जाम में दोनों लिख के ना तेरा क्या चाहते हेडलाइन लिखो मटेरियल प्राइस वेरिएंस मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैन बी वर्कड आउट कैन बी वर्कड आउट ईदर विथ रेफरेंस टू दर विथ रेफरेंस टू क्वांटिटी कंज्यूम्ड और क्वांटिटी परचेस्ड क्वांटिटी कंज्यूम्ड और क्वांटिटी परचेस्ड इन एग्जाम प्रेजेंट बोथ आंसर इफ डेटा इज गिवन ऑब्वियसली डेटा देना चाहिए अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसमें डेटा नहीं था क्या डेटा नहीं था परचेस का डेटा नहीं दिया था ना क्वेश्चन में अगर परचेस का डेटा दिया ही नहीं तो क्या करोगे आप कंज्यूम के हिसाब से करोगे इज क्लियर हाँ लेबर में बहुत मस्त मस्त मजा है आवर्स जो होते हैं ना बच्चों पहले एक चीज समझ लो आवर्स पेड एंड आवर्स वर्क आर हिंदुस्तान पाकिस्तान क्यों आइडल टाइम इज अ टाइम फॉर विच Payment is made, but work is not done. Idle time. <coughs> Idle time is what? Hours paid for, but not worked for. Paid for, but not. So, So, actual hours paid for multiplied by what rate? Actual rate. एक्चुअल आवर्स पेड फॉर मैंने एक्चुअल रेट इज नोन एज for एक्चुअल से आइडल टाइम जब हम माइनस करेंगे तब क्या आएगा एक्चुअल समझ गया क्या लेबर कॉस्ट वेरिएंस इसके तीन बच्चे आइडल टाइम यहां पर लेते हैं मॉडल में वो वैसा ही करते हैं लाइक मटेरियल केस में हमने क्या किया था दो वेरिएंसेस किए थे कौन से दो मटेरियल प्राइस एंड मटेरियल उधर आइडल टाइम जैसा कंसेप्ट नहीं है इधर है सुनो मटेरियल प्राइस जो था उसका सिस्टर है यहां पर उसका सिस्टर का नाम क्या है लेबर रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस। सो लेबर रेट रेट इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन बोलो रेट इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्राइसेस और रेट लेबर रेट वेरियंस स्टैंडर्ड रेट माइनस वॉट एक्चुअल रेट रेट पर आवर है यहां पर इंटू वॉट एक्चुअल आर्स पेड फॉर एक्चुअल आर्स वर्क नहीं लिया मैंने एक्चुअल आर्स पेड क्यों ये किसका काम है लेबर को पे करना एचआर डिपार्टमेंट का एचआर डिपार्टमेंट ने जितने भी आरस लगे वो ज्यादा लगे या कम लगे डोंट आस्क अ क्वेश्चन तुम्हारा काम क्या है जितने भी आरस काम किया वर्कर्स ने उनको स्टैंडर्ड रेट पे, पे पेमेंट करने का तुमने पेमेंट अगर ज्यादा रेट पे किया है वॉट आर द रीजन एस्केलेशन हो गया होगा इन्फ्लेशन इंडेक्स बढ़ गया होगा से so, क्या होता है डियरनेस अलाउंस रहता है वेजेस में एक एलिमेंट रहता है डियरनेस विच इज डिपेंडेंट ऑन इन्फ्लेशन तुमने जब एस्टिमेट किया था तो इंफ्लेशन तो अलग था एक्चुअल में इंफ्लेशन अलग हो गया तो तुम्हारा बढ़ गया इसलिए एक्चुअल वेजेस बढ़ बढ़ गए रेट गया पॉसिबल है ना एक्चुअल आर पेड फॉर लिया मैंने फिर दूसरा वेरिएंस आइडल टाइम वेरिएंस आइडल टाइम का मतलब क्या है बच्चों ये लेबर चैप्टर में था आइडल टाइम इज बेसिकली नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन आर्स पेड फॉर एंड आर्स इज इक्वल टू आइडल टाइम ओ आइडल टाइम इज ऑलवेज एडवर्स इट इज नेवर फेवरेबल बेसिक आइडल टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट आइडल टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट क्यों मैंने इंटू स्टैंडर्ड रेट किया रहे ऑब्वियसली स्टैंडर्ड रेट पे निकालना है जो रेट का डिफरेंस है वो मैंने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया रेट का डिफरेंस ऑलरेडी आर स्पेड के लिए मैंने कैप्चर कर लिया ये आइडल टाइम इज डिफरेंस बिटवीन व्हाट आर स्पेड एंड आस्क तो ये इडली टाइम को क्या करेगा मैं अंडरलाइन करेगा और अंडरलाइन करके क्या लिखेगा इडली टाइम को आर स्पेड माइनस आरस वर्क बच्चों आरस वर्क विल नेवर बी मोर देन आर स्पेड worker ने फ्री में काम कर लिया म फॉर एट आवर्स एंड ही कभी होता नहीं है एक्सेप्शन एक्सेप्शन एक ही है आर्टिकल क्लक्स हुआ वर्क फॉर फिफ्टी सिक्सटी आवर्स अगर जाके बोलेंगे नारायण मूर्ति जी बोलते इतना काम करो एक्सेप्शन इसको एक ही है आर्टिकल क्लक बट हीज नॉट अ वर्कर so he is a student who is aspiring to get a lot of knowledge so idle time so beta teesra variance labor abhi word jo hai na thoda acha use karo labor material mein material usage bola tha na लेबर usage बोला तो थोड़ा लो लेवल लगता है तो हम लेबर के केस में लेबर इफिशियंसी वेरियंस बोलते वी डोंट कॉल इट एज लेबर यूसेज वेरियंस लेबर इफिशियंसी बोलो मटेरियल का यूसेज वेरियंस क्या था डिफरेंस इन क्वांटिटी था यहां पर इट इज डिफरेंस इन आवर्स कौन से आर्स एस एच स्टैंडर्ड आर्स माइनस एक्चुअल आर्स वर्क क्यों वर्क जो इडली टाइम था वो इडली टाइम मैंने ऑलरेडी एनालाइज कर लिया ना इडली टाइम मैंने एनालाइज कर लिया कहां पर इधर एनालाइज कर लेना आइडल टाइम में इनटू व्हाट रेट स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड रेट हाँ है ना बच्चों रेट का जो पूरा का पूरा डिफरेंस है वो हमने ऑलरेडी लेबर रेट में लिया इसीलिए इन दोनों को मैंने कौन सा रेट लिया है स्टैंडर्ड 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 रेट 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 क्यों standard rate, standard rate लिया लॉजिक इज एंटायर रेट डिफरेंस इज ऑलरेडी कैप्चर्ड इन लेबर रेट वेरिएंस इफिशियंसी वेरिएंस इफिशियंसी वेरिएंस के अभी हम क्या करेंगे वापस दो बच्चे जैसे मटेरियल के दो पैदा किए थे ना वैसे इसके भी दो पैदा हो गए डिड यू नोटिस वॉट कहीं पे मैंने आर्स पेड लिया है कहीं पे मैंने आर्स देखो आरस पेड फॉर आरस पेड फॉर पेड पेड और यहां पर क्या लिया आर्स वर्क लिया मैंने आइडियल टाइम थोड़ा डिफरेंस था आई होप एवरी वन अंडरस्टूड हा नेक्स्ट लेबर इफिशियंसी हो गया अब लेबर इफिशियंसी कैन बी मोर कैन बी लेस लेबर Yield variance, वापस वही वाला ये सब मटेरियल जैसा ही कुछ भी फर्क नहीं है लेबर दो तरीके से क्या किया था इसको कौन से दो तरीके टोटल बेसिस पे करो या लेबर बाय लेबर करो देखो लेबर इल्ड वेरियंस इज गोइंग टू बी क्या निकालूंगा मैं स्टैंडर्ड ईल्ड माइनस व्हाट

स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल लिखा था अब मैं क्या लिख रहा हूं लेबर लिख रहा हूं मिक्स वेरियंस और बोले का मिक्स कहां से आएगा सर वर्कर्स डोंट गेट मिक्सड प्रपोर्शन इन विच द वर्कर्स वर्क ऑन जॉब लाइक फॉर एग्जाम्पल एक जॉब को पांच स्किल्ड वर्कर चाहिए तीन अनस्किल्ड चाहिए और

लेबर मिक्स बोलो क्या फॉर्मूला आएगा एस माइनस ए एम इंटू स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड रेट ये तुम्हारा क्या है लेबर बाय लेबर है कैटेगरी बाय कैटेगरी है इल्ड वेरिएंस का ये जो फॉर्मूला था ये कैटेगरी बाय कैटेगरी था क्या yes. नहीं ओ ए एम क्या है ए एम इज एक्चुअल आवर्स एक्चुअल मिक्स मतलब एक्चुअल आवर्स रे उधर एक्चुअल क्वांटिटी था ना इन ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी आई एम टेकिंग एक्चुअल आवर्स वर्क एक्चुअल आर्स वर्क इन स्टैंडर्ड प्रपोर्शन कौन सा प्रोपोर्शन बोला मैंने बच्चो स्टैंडर्ड प्रपोर्शन लिया मैंने आई डिड नॉट टुक एक्चुअल प्रोपोर्शन आई टुक स्टैंडर्ड प्रपोर्शन एक्चुअल आर्स वर्कड डिड नॉट टुक पेड आई टुक एक्चुअल आर्स वर्क इन विच प्रपोर्शन वेरी गुड वेरी गुड और इधर एक और फॉर्मूला है ईल्ड वेरियंस आपको पसंद नहीं है टोटल बेसिस पे नहीं करने का मेरे को मेरे को वर्कर बाय वर्कर करने का कर सकते हैं क्या तुम हा आराम से कर सकते हैं वर्कर बाय वर्कर कैटेगरी बाय कैटेगरी जैसे देखो ऊपर क्या किया था मैंने एस एम uh, और ए एम का डिफरेंस मिक्स था तो यहां पर एस एम और ए एम का डिफरेंस मिक्स ही बोला मैंने और दूसरा कहता है एसक्यू और एस एम इन ऑफ क्यू आर यूजिंग एच इन स्टैंडर्ड क्वांटिटी इट इज नॉट अ गुड वर्ड फॉर लेबर ना डिमीनिंग लगता है ना क्वांटिटी में बोलो तो हम क्या करेंगे इधर? स्टैंडर्ड आर्स माइनस वॉट एक्चुअल आर्स एक्चुअल आर्स कौन से

बच्चों स्टैंडर्ड मिक्स जो था वो कैसे निकलता है तीन कैटेगरी के वर्कर्स थे कैटेगरी ए वर्कर कैटेगरी बी वर्कर कैटेगरी सी वर्कर कैटेगरीज आर जनरली ऑन द बेसिस ऑफ स्किल सेट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और जेंडर शुड नॉट बी जेंडर बेस्ड तो वो कैटेगरी के रेश अलग अलग कैटेगरी है उसका कुछ तो रेशो में उन्होंने काम करना चाहिए था एक जॉब पे लेकिन रेशो वॉज आउट ऑफ हंड्रेड आवर्स फाइव थ्री टू फिफ्टी थर्टी ट्वेंटी ऐसे रेशो में उन्होंने काम करना चाहिए था लेकिन एक्चुअल में काम किया उन्होंने फोर्टी थर्टी थर्टी फाइव थ्री टू के जगह पे वो फोर थ्री टू में आया। मिक्स। तो हम क्या करते? अच्छा, अरे वो ये जो मीनिंग है ना ओके okay, मैंने अंडरलाइन एम को किया दिस अंडरलाइन शुड बी हियर ये एस एम का अंडरलाइन है स्टैंडर्ड मिक्स इज नथिंग बट एक्चुअल आरस इन वॉट प्रोपोर्शन एक्चुअल आर्स वर्क इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन ए एम इज एक्चुअल आर्स वर्क ए एम का मतलब क्या है एक्चुअल आर्स वर्क एक्चुअल आर्स वर्क इन विच प्रोपोर्शन ऑब्वियसली एक्चुअल प्रोपोर्शन और एस एम क्या है एस एम इज ऑल्सो एक्चुअल आर्स वर्क बट इन विच प्रोपोर्शन समझ में आया गया सो वट आर वी डन वी आर डन विथ मटेरियल कॉस्ट वेरियंट्स कंप्लीट बैकग्राउंड तुमको देके रखा है ओवरहेड्स का आई होप यूड रिकलेक्टेड लॉट ऑफ थिंग्स दैट यूडर लर्न राइट ऑनलाइन पब्लिक लाइक शेयर सब्सक्राइबारो बाय